हेलो एवरीवन, मैं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं एनके वेंचर्स। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 को रिवाइज करने वाले हैं, जो कि डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करता है। हमारा कोस्टिंग रिवीजन सीरीज़ का ये 6th चैप्टर है, और इससे पहले हमने 1 to 5 चैप्टर कवर कर लिया है। तो उसको अगर आपने देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक लॉ और इनडायरेक्ट टैक्स की रिवीजन सीरीज़ एज़ पर आईसीए स्टडी मटेरियल मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा भी न्यू बिजनेस आइडियाज़, मेडिटेशन रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलो बात करते हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में। डिसीजन मेकिंग का जो चैप्टर है, इसका पहले लर्निंग आउटकम पढ़ लेते हैं, जैसे कि हम हर चैप्टर के साथ करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यू विल एबल टू एनालाइज द शॉर्ट टर्म डिसीजंस, एनालाइज द प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, इंक्लूडिंग द सर्कमस्टांसिस वेयर लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड आर नीड टू बी आइडेंटिफाई ऑप्टिमल सॉल्यूशन, analyze the information to assess the risk and its impact on short-term decision, discuss the nature of risk and uncertainty and attitude to risk by decision makers, evaluate the information to support the project appraisal, analyze the information for use in long-term decision making including consideration of tax, inflation and other factors, and compare and contrast the alternative approach proposed to the address business challenging and opportunity फॉर द गिवन एंटिटी। तो कहने का मतलब है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर आप ये वाले कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको जो शॉर्ट टर्म में हम डिसीजन लेते हैं बिजनेस में, उसके लिए उसको कैसे लेंगे और उसके लिए कौन कौन से फैक्टर मतलब इफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म में डिसीजन लेने के लिए कौन से फैक्टर हमें एनालाइज करने चाहिए वो देखेंगे। उसके अलावा हमें ये देखेंगे कि हम कोई प्रोडक्ट हम बनाएं या हम बाहर मार्केट से उसको परचेज करें उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ अगर हमारे पास इन हाउस प्रोड्यूस हो सकता है तो क्या हम उसको इन हाउस प्रोड्यूस करें या फिर हम उसको आउटसोर्स करके बाहर से परचेज करें। तो इन सभी एस्पेक्ट को हम एनालाइज करेंगे, और इनमें जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा रेलिवेंट कॉस्टिंग का, कि हम इस डिसीजन को लेने के लिए एक रेलिवेंट कॉस्टिंग एस्पेक्ट को पढ़ेंगे इसके अंदर। अच्छा, अब सवाल उठता है कि रेलिवेंट कॉस्टिंग क्या होता है। तो रेलिवेंट कॉस्टिंग वो कॉस्ट होता है कि जो कि आपको जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप एनालाइज करना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने की वजह से करना पड़ रहा है, तो वो रेलिवेंट कॉस्टिंग मानी जाएगी। कहने का मतलब है जैसे आपका एक बिजनेस है और आपने रेंटेड प्लेस पे लिया हुआ है उसको, आपके पास मशीन भी पड़ी हुई है, स्टाफ भी है। अब उन्हीं स्टाफ का इस्तेमाल करके, वही रेंटेड प्लेस का यूज़ करके अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या वो जो रेंट का खर्चा है और जो स्टाफ का खर्चा है वो उस प्रोडक्ट पे एलोकेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसको नहीं करेंगे, क्योंकि वो संक कॉस्ट होगा, वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए नहीं खर्च हो रहा। लेकिन हाँ, जो नया आप प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसके अंदर लगने वाला रॉ मटेरियल या फिर उसके अंदर लगने वाला एक स्पेशल स्किल पे जो खर्चा करेंगे वो वाला इसके अंदर कवर होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे जो डिसीजन मेकिंग का जो चैप्टर है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है CVP एनालिसिस, जिसको बोलते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट है कि शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है इसको अलग अलग पढ़ेंगे। CVP एनालिसिस में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक्टिविटी बेस्ड CVP एनालिसिस, मतलब जो पुराने वाला ट्रेडिशनल मेथड था उसके अंदर हम वॉल्यूम बेस्ड CVP एनालिसिस को देखते थे, जबकि जब ये नया वाला हमारा मेथड है इसके अंदर हम एक्टिविटी बेस्ड जो CVP एनालिसिस है उसको देखेंगे। दूसरा हमारा रहेगा इसके अंदर CVP एनालिसिस अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम CVP एनालिसिस इन सर्विस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे CVP एनालिसिस इन जस्ट इन टाइम एनवायरनमेंट। तो मतलब CVP एनालिसिस यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस जो हम करेंगे वो अलग अलग पैरामीटर पे यानी अलग अलग सिचुएशंस में उसको हम कैसे क्या इम्पैक्ट करता है इसको, और कैसे हम पढ़े इसको, इसके बेसिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तीन पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिए। पहला क्या है, एक्टिविटी बेस्ड CVP एनालिसिस। दूसरा रहेगा अनसर्टेनिटी बेस पे, और तीसरा रहेगा नॉन प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन पे, और चौथा रहेगा जस्ट इन टाइम पे। यानी कि हमने चार बेसिस पे CVP एनालिसिस को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब इसको साथ में अपने माइंड में एक फ्रेम बनाते जाइए जिससे आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर एक ग्रिप में आ जाएगा। जब आप आँख बंद करेंगे तो आप इसको आराम से रिवाइज भी कर पाएंगे कि हाँ हमने क्या पूरे चैप्टर में पढ़ा था। दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। CVP एनालिसिस के को हम CVP एनालिसिस होता क्या है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। पुराने वाले मेथड में हम सिर्फ वॉल्यूम बेस पे एनालाइज करते थे, जबकि जो नया मेथड है हमारा कॉस्टिंग का उसके अंदर हम
इसको एक्टिविटी बेस पे करेंगे, नॉन प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे सीवीपी एनालिसिस होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा हमारा जस्ट इन टाइम एनवायरनमेंट में कैसे इसका इस्तेमाल होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और अनसर्टेनिटी का जो एनवायरनमेंट होता है उस समय हम सीवीपी एनालिसिस को कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है कि जब हमने इसको एनालाइज कर लिया तब हम प्रोडक्ट मिक्स को बनाएंगे, प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड यानी प्रोडक्ट जो है उसको किस मिक्स में रखना है जिससे मतलब कि किस क्राइटेरिया में कैटेगरीज में रखना है जिसको जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके और हम कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सके उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ फिर ये तो हो गया हमारा सीवीपी एनालिसिस का पोर्शन। फिर दूसरा जो हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के में चलेंगे तो उसमें हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, एक तो आउटसोर्सिंग डिसीजन का, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि कोई प्रोडक्ट को हम खुद अपने पास बनाएं या हम उसको मार्केट में आउटसोर्स कर दें तो इस पे हम डिसीजन, जैसे अगर आप खुद को बनाते हैं खुद वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको लेबर का खर्चा देखना पड़ेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देखना पड़ेगा, उसके अलावा रॉ मटेरियल भी आपको खुद लेना पड़ेगा और बाकी भी बहुत सारे खर्चे होते हैं खुद को करने में। लेकिन अगर आप आउटसोर्स कर देते हैं तो आपने सिर्फ रॉ मटेरियल देना है बाहर, या फिर रॉ मटेरियल देना है उनके पास वर्किंग वगैरह वो करके आपको वापस दे देंगे ताकि आप उसको सेल कर देंगे, तो एक तरह से ट्रेडिंग टाइप का हो गया अगर उस पर्टिकुलर पोर्शन की बात करें। तो इसके रिगार्डिंग डिसीजन लेने में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद है सेल और फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन, कीप ड्रॉप डिसीजन, स्पेशल ऑर्डर डिसीजन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारा रहेगा इथिक्स और नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन को हम कैसे एनालाइज करते हैं कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू मिल गया होगा इस चैप्टर का कि हम पूरे पूरे चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और इसके अंदर क्वेश्चंस रेलिवेंट भी हैं और वो आते भी हैं एग्जाम में, तो करना ज़रूरी है। इससे पहले वाला चैप्टर एक बेसिक था, थ्योरी के लिए अच्छा था, लेकिन ये वाला चैप्टर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सीवीपी एनालिसिस को एक बार समझते हैं कि होता क्या है ये, फिर हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए सीवीपी एनालिसिस इन्वॉल्व एनालाइजिंग द इंटर रिलेशनशिप अमंग द रिवेन्यू कॉस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट्स। CVP analysis is useful for the numerous decision related to production, pricing, marketing, cost structure and many more. Although CVP analysis is a most useful for planning, it can also be used to assist with controlling decision and implementing the decision. जो CVP analysis होता है इसको हम basically planning stage पे use करते हैं, starting के stage पे, लेकिन जब controlling की बात आती है तो उसमें भी तो वो planning जैसा ही हो गया ना, क्योंकि controlling में आप करते क्या हो, अब ये देखते हो कि जो हमने plan किया था उसके अंदर क्या problem रह गई, तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके फिर उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके लिए कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। कंसीडर ए डिसीजन अबाउट द चूजिंग एडिशनल फीचर ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट दैट इज प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। डिफरेंट चॉइस कैन अफेक्ट द सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट यूनिट सोल्ड एंड ऑपरेटिंग इनकम। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं, जैसे आपका फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट कितना लग रहा है, वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है और यूनिट आप कितने रुपये में बेच रहे हो, ये सारे फैक्टर को हमें एनालाइज करना पड़ता है क्योंकि ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, साथ में कॉस्ट को भी इफेक्ट करते हैं। सीवीपी एनालिसिस हेल्प मैनेजर्स टू मेकिंग द प्रोडक्ट डिसीजन बाय एस्टिमेटिंग द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर ऑफ दीज चॉइस। ठीक है, उसके बाद जैसा कि हमने सीवीपी एनालिसिस में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, इसके हम एक्टिविटी बेस्ड को हम एनालाइज करेंगे, जस्ट इन टाइम पे एनालाइज करेंगे, हम अनसर्टेनिटी वाले पे एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ हम इसके नॉन प्रॉफिटेबिलिटी और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके अंदर उसमें इसके क्या इंपैक्ट होता है कैसे एनालाइज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा रहेगा एक्टिविटी बेस। एक्टिविटी बेस तो आप समझ लीजिए कि हम वॉल्यूम बेस पे नहीं करके एक्टिविटी वाइज कॉस्ट को बांट रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि हमें पता रहेगा कि कौन से एक्टिविटीज पे हमें ज़्यादा कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर उस एक्टिविटी को हम छांट लेंगे और उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। और उससे इसको ऐसे समझिए कि मेरे को चार यूनिट बनाने में 100 रुपये लगे, एक ये बात है। तो अब यूनिट के अंदर बहुत सारे प्रोसेसिंग होती है, आपने इनपुट किया होगा फिर ये 3-4 जगह प्रोसेस हुआ होगा, तो हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट प्रोसेस नंबर 1 था वहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट लग गया आपको, प्रोसेस नंबर 2 पे कम लगा था। तो अब क्या करोगे आप, अगर आपने ये देखा कि इस वॉल्यूम पे आपको इतना कॉस्ट लगा, तो ये तो वॉल्यूम बेस पे हम ये तो पता नहीं कर पाएंगे ना कि हम इसको कैसे रिड्यूस करें। अगर हमें वाकई में फाइंड आउट करना है कि क्या रियल कॉज क्या है उसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी वाइज जाना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी में इसका कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, और वहाँ पर फिर हम जाकर इसको टैकल करेंगे तो इससे हम इसको रिजोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए। कन्वेंशनल CVP एनालिसिस अज्यूम द वॉल्यूम बेस मेजर, एन अल्टरनेट अप्रोच इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इन एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम कॉस्ट आर सेग्रीगेटेड इनटू यूनिट
एंड नॉन यूनिट बेस्ड कैटेगरी, यूनिट बेस्ड भी होता है और नॉन यूनिट बेस्ड, दोनों कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक्नोलेज दैट सम कॉस्ट वेरी विद द यूनिट प्रोड्यूस एंड सम कॉस्ट डू नॉट। चाहे आप प्रोडक्ट कितने यूनिट बना लो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कॉस्ट उतना का उतना ही रहेगा। कुछ कॉस्ट के साथ ऐसा होता है, कुछ कॉस्ट होता है कि अगर आप यूनिट बढ़ाते हो तो वो कॉस्ट बढ़ जाते हैं, यूनिट घटाते हो तो वो कॉस्ट कम रहते हैं, तो ऐसा भी होता है, लेकिन सबके साथ नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, जो पर यूनिट कॉस्ट लगते हैं उसको अलग, जो पर नॉन यूनिट कॉस्ट होते हैं उनको अलग अलग सेग्रीगेट करोगे। हाउएवर व्हाइल द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एडमिट दैट नॉन यूनिट बेस्ड कॉस्ट आर फिक्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन वॉल्यूम चेंज, इट ऑल्सो आर्ग्यू दैट मैनी नॉन यूनिट बेस्ड कॉस्ट वेरी विद रिस्पेक्ट टू द अदर कॉस्ट ड्राइवर। इन कॉन्ट्रैक्ट द वॉल्यूम बेस्ड अप्रोच कंबाइन द कॉस्ट ऑफ दिस एक्टिविटी एंड ट्रीट दैम अ फिक्स्ड सिंस दे डू नॉट वेरी विद द आउटपुट वॉल्यूम। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट बिकॉज इट सेपरेटली आइडेंटिफाई एंड ट्रेस द नॉन यूनिट बेस्ड कॉस्ट टू प्रोड्यूस रादर देन कंबाइन दैम इन ए पूल ऑफ फिक्स कॉस्ट एज ए वॉल्यूम बेस्ड अप्रोच डज। द ब्रेक इवन कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलोज। तो कहने का मतलब ये है कि जो वॉल्यूम बेस्ड था वो फिक्स कॉस्ट को एक साथ ही उन पर चार्ज कर देता है पूरे वॉल्यूम के साथ, लेकिन जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट है वो सेग्रीगेट कर देता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है या फिर नॉन यूनिट बेस पे वो मूवमेंट हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि ये ज़्यादा मोर एक्यूरेट बता पाता है। अब इसके अकॉर्डिंग आप ब्रेक इवन अगर आप निकालते हो तो उसमें ब्रेक इवन निकालने का क्या तरीका होता है, जैसे फिक्स कॉस्ट जो आपका है, देखो फिक्स जब अभी आप उसका कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो उसके लिए जो आपका कंसिडरेशन निकलेगा तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट को तो आप लेस करते ही हो, ठीक है ना। तो अब फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं हम, तो हमारा जो नॉर्मल वाला फिक्स कॉस्ट है वो तो है ही, उसके अलावा कुछ ऐसे चीज़ें होती है कि जिसको नंबर ऑफ यूनिट बढ़ने की वजह से वो चार्जेस बढ़ती है। जैसे मान लीजिए आप एक मशीन पे आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस मशीन में प्रोग्रामिंग लगती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आप एक मशीन को आप एज्यूम कीजिए, मशीन में आपने क्या करा, वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए कि ये कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का असेंबली इसका काम हो रहा है, ठीक है ना। अब आप इसको बना रहे हैं, इसको बना रहे हैं, तो आपको इंजीनियर को बुला करके, यानी एक प्रोग्राम फिट किया आपने और ये कैलकुलेटर सीधा वो मशीन में जा रहा है और सीधा निकल के, मतलब इसमें आपने रॉ मटेरियल डाला, ये बटन बटन डाले और ये फिक्स होकर के आ गया। अब क्या हुआ, ये कैलकुलेटर में तो यही हुआ। अब जब दूसरी बात, आपने जब ये माउस बनाने की सोचा, ये माउस बनाना सोचा, तो माउस के साथ में क्या हुआ कि आपको इसके में इंजीनियर को दो बार बुलाना पड़ रहा है, और दो बार क्योंकि एक बार इसका फ्रंट बनता है और दूसरी बार इसका बैक बनता है, तो इस पर दो बार इंजीनियरिंग चार्जेज लग रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, ये है तो उतना ही, एक बार ही लगेगा, मतलब एक बार आपने एक साइड की बनानी शुरू कर दी, एक साइड की बनानी शुरू कर दी, तो एक बार इंजीनियरिंग चार्ज लग गया। जब ये पूरा हो जाएगा एक साइड का, फिर दोबारा इंजीनियर बुलाओगे और ये दूसरे साइड का प्रोसेस कराओगे, तो है तो इसी यूनिट पे और उसी मशीन पे काम हो रहा है, तो इसमें डबल चार्ज लग रहा है। तो इस प्रोडक्ट के साथ जैसे यूनिट बढ़ रहा है तो वो हमारा खर्चा भी बढ़ रहा है, तो उसकी इसलिए हमें इन दोनों को अलग अलग एनालाइज करना पड़ेगा। चलिए, ब्रेक इवन यूनिट में क्या हुआ, फिक्स कॉस्ट में प्लस करोगे आप सेटअप कॉस्ट इनटू में नंबर ऑफ सेटअप्स, प्लस करोगे इंजीनियरिंग कॉस्ट इनटू में नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर, और डिवाइड कर दोगे इसको प्राइस माइनस यूनिट वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है। अ कंपैरिजन ऑफ द एबीसी एनालिसिस यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ब्रेक इवन पॉइंट विद द कन्वेंशनल ब्रेक इवन पॉइंट रिवील टू इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। फर्स्ट, द फिक्स कॉस्ट डिफर, सम कॉस्ट प्रीवियसली आइडेंटिफाई एज बीइंग फिक्स्ड मे एक्चुअली वेरी विद द नॉन यूनिट कॉस्ट ड्राइवर, इन दिस केस अ सेटअप एंड इंजीनियरिंग आवर, इन द केस ऑफ सेटअप एंड इंजीनियरिंग आवर। जैसे मान लिया अभी हमने देखा सेटअप कॉस्ट और इंजीनियरिंग आवर वो पर यूनिट कॉस्ट के साथ वेरी हो जाते हैं। सेकेंड, द न्यूमरेटर ऑफ द एबीसी ब्रेक इवन इक्वेशन हैज़ टू नॉन यूनिट वेरिएबल कॉस्ट टर्म, वन ऑफ द बैच रिलेटेड एक्टिविटीज एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट सस्टेन एक्टिविटीज। द यूज ऑफ द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग डज नॉट मीन दैट सीवीपी एनालिसिस इज अ लेस वैल्यूएबल, इन फैक्ट इट बिकम मोर वैल्यूएबल सिंस इट डिलीवर मोर प्रीसियस अंडरस्टैंडिंग कंसर्निंग द कॉस्ट बिहेवियर। दीज अंडरस्टैंडिंग प्रोड्यूस अ बेटर डिसीजन CVP analysis within a activity based framework, however, must be improved. ठीक है, अब इसको एक बार एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपको एक आई होप कि एक पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा। CVP analysis में हम एक्टिविटी बेस्ड की बात करते हैं, इसमें दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक तो कुछ यूनिट बेस पे वेरी करता है, फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं, और कुछ नॉन यूनिट बेस होता है, तो उनको हमें सेग्रीगेट करना है ताकि हम ये एनालाइज कर पाएँ कि एक्चुअल में कॉस्ट किसकी वजह से ज़्यादा इनकर हो रहा है। चलिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, कैटलिस्ट लिमिटेड मेक अ सिंगल प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल। उसकी सेलिंग प्राइस है करंट सिचुएशन में 10 रुपये, प्रपोज हमें निकालना है, डायरेक्ट कॉस्ट है 5 रुपये, प्रेजेंट नंबर ऑफ सेटअप पर प्रोडक्शन पीरियड बिफोर ईच प्रोडक्शन रन सेटअप इज 42, यानी करंट सिचुएशन में 42
42 टाइम लग रहा है, ठीक है, मैंने 42 बार सेटअप करना पड़ रहा है। उसके बाद आगे कह रहा है कॉस्ट पर सेटअप, एक सेटअप का कॉस्ट है रहा है 450 रुपये, जो कि प्रपोज में डिक्रीज हो जाएगा 90, तो मतलब 450 माइनस 9 360 बन जाएगा। प्रोडक्शन यूनिट पर रन 960 रुपये, 960 यूनिट है और प्रपोज है 1008 यूनिट। इंजीनियरिंग आवर फॉर द प्रोडक्शन पीरियड है 500, प्रपोज है 422, कॉस्ट पर इंजीनियरिंग आवर है 10 रुपये, ठीक है। द कंपनी हैज़ बिगेन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऑफ द फिक्स कॉस्ट एंड हैज़ प्रेजेंटली आइडेंटिफाई द टू कॉस्ट ड्राइवर वाया प्रोडक्शन रन एंड इंजीनियरिंग आवर। अब इसमें क्या क्या, इसने दो कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट किया, एक तो क्या था प्रोडक्शन रन और दूसरा इंजीनियरिंग आवर। ऑफ द टोटल फिक्स कॉस्ट प्रेजेंटली एट 96,000 आफ्टर द अबव 72,100 रिमेन टू बी एनालाइज। मतलब कि अभी जो करंटली फिक्स कॉस्ट आ रहा है वो 96,000 था, जो कि इसके जो इन दो कॉस्ट हमने ड्राइवर देखे, इसके बाद हमारे पास 72,100 हो जाएगा। दीज आर चेंजेस आर प्रपोज्ड अबव फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्शन पीरियड फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, ठीक है। हमें निकालना क्या है, कंप्यूट द यूनिट एंड प्रोडक्शन रन, यूनिट एंड प्रोडक्शन रन कैटलिस्ट लिमिटेड शुड प्रोड्यूस इन चेंज सिनेरियो फॉर द ब्रेक इवन, तो आपको ब्रेक इवन निकालना है। दूसरा, एडवाइज वेदर द कैटलिस्ट लिमिटेड शुड कंटिन्यू टू ब्रेक अप द रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट इन टू द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, ब्रेक इवन निकालना। तो ब्रेक इवन का आप फॉर्मूला याद कीजिए, आपके पास जो फिक्स कॉस्ट है वो लीजिए, प्लस करना है आपने सेटअप कॉस्ट, मल्टीप्लाई करना है सेटअप टाइम से, फिर प्लस करना है आपने इंजीनियरिंग आवर्स और मल्टीप्लाई करना है उसके जो इंजीनियरिंग का टाइम है टाइम से, जो कॉस्ट लगने वाला है उसका और उनके में टाइम, फिर डिवाइड करना है आपने प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है उसमें से यूनिट को निकाल करके, सेलिंग यूनिट को निकाल के तो उससे डिवाइड करेंगे तो आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। ये देख लीजिए आप दोबारा से फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट में प्लस करेंगे आप सेटअप कॉस्ट, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ सेटअप, प्लस करेंगे इंजीनियरिंग कॉस्ट इनटू में नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर, डिवाइड कर देंगे आप प्राइस माइनस यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आएगा। तो आपके पास फिक्स कॉस्ट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 72,100 का, देख लीजिए 72,100 का आपके पास फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। दूसरी बात है सेटअप कॉस्ट कितना दिया हुआ है, सेटअप कॉस्ट देखिए, सेटअप कॉस्ट है आपके पास प्रेजेंटली नंबर ऑफ सेटअप तो 42 ही है, तो कॉस्ट पर सेटअप देखा है आपके पास 450, जो कि डिक्रीज हो जाएगा 90। तो आपको किसके लिए एनालाइज करना है, करंट सिचुएशन तो दे ही रखा है, आपको प्रपोज सिचुएशन के लिए एनालाइज करना है। तो यानी 450 माइनस 90 यानी 360 वाला ये आ जाएगा। लेकिन अब नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप कितना है, यहाँ पे तो 42 था, अब यहाँ पे प्रपोज में आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो जो चीज़ें निकालनी है, पहले तो आपने फॉर्मूला लिख दिया ब्रेक इवन का, उसके बाद फिर जो जो चीज़ें निकालनी है उसको आप निकाल देंगे। तो अभी आपके पास क्या निकालना है, आपने प्रेजेंट नंबर ऑफ सेटअप फॉर प्रोडक्शन ये निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए प्रोडक्शन रन पर यूनिट आपका है करंट में 960 लग रहा है, 960 यूनिट में आप 42 टाइम्स उसको प्रोसेस कर रहे हैं, 960 में आप 42 टाइम कर रहे हैं, तो 108 में कितना करेंगे, कितने टाइम करेंगे, तो क्या करोगे 960 मल्टीप्लाई बाय 42 रन डिवाइड बाय में 1008। देख लो प्रेजेंटली नंबर ऑफ सेटअप कितने हैं 42, कितने यूनिट के लिए 960 यूनिट के लिए, तो 1008 यूनिट के लिए कितना, तो आप इसको इक्वेशन निकाल सकते हो ना, 960 यूनिट के लिए आप कर रहे हैं 42 और तो 1008 के लिए क्या, तो 960 मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइड बाय में 1008, तो ये आ जाएगा आपके पास, आप कैलकुलेट करके देख लो 960 मल्टीप्लाई 42 डिवाइड बाय में 1008, तो ये आपके पास 40 टाइम्स आ गया। तो यानी कि 40 प्रोडक्शन रन अभी वाले करंट में हमें करना पड़ेगा। और इसका कॉस्ट कितना है, तो इसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है हमारे पास 360, क्योंकि 450 माइनस 90 करोगे तो 360 आ जाएगा। तो अभी ब्रेक इवन में आपके पास क्या क्या आ गया, एक तो फिक्स कॉस्ट आ गया 72,100, इसमें प्लस किया आपने क्या 42 रन मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है, ये तो हो गया सेटअप टाइम 42 टाइम्स, यहाँ जो अभी सॉरी 42 नहीं 40 टाइम अभी हमने निकाला, 960 मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइड बाय में 1008, तो इससे आपको कितना लग गया 40 निकल के आया प्रोडक्शन टाइम, तो 40 मल्टीप्लाई बाय जो ये डिक्रीज बाय 90 लिखा हुआ है, तो यानी 450 में से 90 घटाने के बाद कितना आया था 360, तो 360 को मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे, ठीक है, तो इसके पास आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके यानी 360 मल्टीप्लाई बाय 40 एक फिगर आएगी, उसमें प्लस करना है आपने इंजीनियरिंग आवर, तो इंजीनियरिंग प्रोडक्शन पीरियड आपके पास दिया हुआ है 422 और रेट आपका यही रहेगा 10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये ऊपर वाला तो आ गया। अब डिनोमिनेटर में आपको डिवाइड करना है प्राइस से और वेरिएबल कॉस्ट से, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है देखिए यहाँ पे,
वो दिया हुआ है 10 रुपये यहाँ पे, और डायरेक्ट कॉस्ट है 5, तो 10 माइनस 5, तब आपके पास सब कुछ आ गया 72,100 फिक्स कॉस्ट प्लस 360 × 40 प्लस 422 × 10 डिवाइड बाय 10 माइनस 5, इससे आपको आ जाएगा एक ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसको देखिए अब कैसे निकाला है, इसके सॉल्यूशन में देख लीजिए। देखिए सबसे पहले आप वर्किंग नोट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन एग्जिस्टिंग में 42 था, प्रपोज्ड में 40 आया। कैसे आया, 960 रन को मल्टीप्लाई किया 42 सेटअप से, और नंबर ऑफ यूनिट कितने यूनिट के लिए निकालना चाहते हैं आप, 1008 के लिए, तो इसके लिए आपने निकाला तो 40 रन आ गया। करंटली कॉस्ट आप इनकर कर रहे हैं 450, जो कि रिड्यूस हो गया है 90 से, जो कि 360 बन गया है। प्रोडक्शन रन पर यूनिट आपके पास 960 यूनिट और 1008 यूनिट ये दिया हुआ है। तो इसके बाद प्रोडक्शन यूनिट कैसे निकल जाएगा, 960 को मल्टीप्लाई कर देंगे 42 से और 1008 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो ये आपका यूनिट निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। इंजीनियरिंग आवर आपके पास दिया हुआ है 500 और 422 दिया हुआ था, और इंजीनियरिंग का जो पर कॉस्ट है 10-10 रुपये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 500 और 422 ये दे रखा है, और 10-10 रुपये के हिसाब से ये दिया हुआ है, तो ये आपने निकाली। अब जो हमें ब्रेक इवन निकालना था, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो ये था। तो अभी हम जैसे बता रहे थे फिक्स कॉस्ट में प्लस किया सेटअप कॉस्ट इंटू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेटअप, जो आ गया 72,100 प्लस 360 × 40 प्लस 10 × 422 और डिवाइड किया आपने 10 माइनस 5 से, तो आपके पास आ गया यूनिट 18,144 यूनिट। अभी कितने यूनिट के लिए है, 1008 के लिए, तो पर यूनिट कितना रन आ जाएगा, 18 रन, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में क्या पूछा है क्वेश्चन ने, देखिए ये पूछ रहा है एडवाइस वेदर द कैटलिस्ट लिमिटेड शुड कंटिन्यू टू ब्रेक अप द रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट इनटू द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। तो बताइए इसमें आप इसको बना के लिखेंगे, ए कंपनी शुड अडॉप्ट द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग एज ए ट्रेडिशनल वॉल्यूम बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ द नॉन यूनिट लेवल ओवरहेड सच एज सेटअप कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट एंड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट एक्सेट्रा। कॉस्ट एनालिसिस अंडर ABC यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम शोज दैट Why these costs are largely fixed with respect to the sale volume, but they are not fixed to the other appropriate cost driver. If the breakup remaining 72,100 fixed cost consists of only a small portion of these costs, ABC need not be applied. However, it may also be noted that the primary study has resulted in cost saving. If the saving in cost are expected to exceed the cost of study and implementing ABC, it may be justified. Further, it is pertinent to the mention that ABC offer no increase in product costing accurately for a single product setting. तो कहने का मतलब यही है कि जो activity based costing है, जैसा कि आपने ये देखा, वो जो normal वाला volume based था, वो ये चीज़ें consider नहीं करता। तो नंबर ऑफ सेटअप वगैरह हमने निकाला, वो सीधा 72,100 में इनके जो बाकी फिक्स कॉस्ट था उसको फ्लैट जोड़ देता इरिस्पेक्टिव ऑफ ये, इनको सेग्रीगेट नहीं करता, तो उससे हमें सही बता नहीं पाता। तो इसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इनको यूज़ करना चाहिए कंफर्टेबल होने के बाद। चलिए अब ये तो हमने बात कर ली, जब हमने एक्टिविटी बेस्ड के हिसाब से जब CVP को एनालाइज करते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, तो उस केस में सिंपल आप ब्रेक इवन याद कर लीजिए कि ब्रेक इवन आपने निकालना है, और ब्रेक इवन का आपने मेथड देख लिया कैसे निकालना है। अब दूसरा हमारे पास मेथड आता है CVP एनालिसिस का, जो कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी के बारे में बात करता है। ध्यान रखेंगे आपने क्या क्या करना था, एक्टिविटी बेस कर लिया, अब अनसर्टेनिटी कर रहे हैं, फिर जस्ट इन टाइम करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक और मेथड था, जस्ट इन टाइम के बाद हमारे पास एक और मेथड था, कौन सा था, ये था हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो स्टडी करते थे वो, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास सेकंड पोर्शन आ रहा है क्या, अनसर्टेनिटी का। अनसर्टेनिटी में CVP एनालिसिस कैसे करते हैं, देखिए कॉस्ट volume profit analysis suffer from the limitation that it does not consider the adjustment for risk and uncertainty. ये risk for uncertainty का जो factor है उसको consider ही नहीं कर रहा है भाई। uncertainty का भी तो risk होता है, अगर ये कुछ ऐसा हो गया जो हमने predict नहीं किया था, जैसे कि अभी COVID-19 आ गया तो हमने predict नहीं किया था, ठीक है। A possible approach by which the uncertainty can be incorporated into the analysis is to apply normal distribution theory. If the manager is comparing this product with other product, then this approach will enable him or her to assess the risk involved for each product as well as compare to the relative break-even point and expected profit. The analysis can be changed to include the fixed cost, variable cost and selling price as uncertain variable. The effect of treating these variable as uncertain will lead to an increase in standard deviation because the variability of the variable cost, fixed cost and selling price will add to the variability of the profit.
प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्मेशन. इट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प द डिसीजन मेकर्स बेटर अंडरस्टैंडिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम. अल्टीमेटली दिस इन्फॉर्मेशन में असिस्ट द डिसीजन मेकर इन रीचिंग अ गुड डिसीजन. ठीक है, तो ये एक सिंपल सा बता दिया आपको कि देखो अनसर्टेनिटी का फैक्टर को हमें कंसिडर करना चाहिए और वो हम जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके अंदर क्या अनसर्टेनिटी हो सकता है. वेरिएबल में क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उसका कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है, वो एक अनसर्टेनिटी हो सकती है. उसी तरीके से सेल प्राइस हमारी रिड्यूस हो गई क्योंकि कॉम्पिटिटर ने अपना सेल प्राइस रिड्यूस कर दिया, हमें करना पड़ा उसकी वजह से, ठीक है, और भी गवर्नमेंट ने कोई रूल चेंज कर दिया जिसकी वजह से हमें बर्डन आ गया. तो ये सारे फैक्टर हैं, ये कॉस्ट में इंक्लूड करके इनका प्रोविजन लेकर के एक एस्टिमेट चलना चाहिए. ठीक है, एग्जाम्पल समझिए. द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इज रुपीज 110 एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 70 पर यूनिट. द बजटेड फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड वॉज आर 163,500. एस्टिमेटेड सेल फॉर द पीरियड इज 5,000 यूनिट एंड इट इज अज्यूम दैट द प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एस्टिमेटेड सेल क्वान्टिटी इज नॉर्मल विद स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 125 यूनिट. द सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट आर एज्यूम टू बी सर्टेन. वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट बींग गियर्ड बींग ग्रेटर दैन 40,000. अब ये कह रहा है कि आपके पास तीन चीज़ें रखी है. सेलिंग प्राइस है 110 रुपये में, वेरिएबल कॉस्ट इसका एस्टिमेट है 70 रुपये और फिक्स कॉस्ट एस्टिमेट किया गया है 163,500 रुपये. अब ये कह रहा है कि अगर 5,000 यूनिट बेचते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है. एंड अज्यूम द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द एस्टिमेटेड सेल क्वांटिटी इज नॉर्मल विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 125. और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 125 का दिया हुआ है, यानी जो रिस्क फैक्टर है 125 यूनिट का रिस्क फैक्टर है. 5,000 यूनिट आप सोच रहे हो कि आप बेच दोगे, 125 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है. तो अब ये बताओ कि 40,000 प्रॉफिट होगा, इस बात का क्या एस्टिमेट है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो इसके लिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 5,000 यूनिट का है, मल्टीप्लाई कितना हमें लगता है एस्टिमेट 40 रुपये के हिसाब से, यानी आपके पास कॉस्ट कितना आ रहा है 110, सॉरी सेल कितने में कर रहे हो 110 में, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 70 रुपये का. तो 110 माइनस 70 कितना हुआ 40. तो 40 रुपये का आपके पास कंट्रीब्यूशन है. तो कायदे से कितना होना चाहिए, 5,000 यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे आप 40 से और उसमें माइनस कर दोगे फिक्स कॉस्ट, तो वो आपका प्रॉफिट आएगा. तो यहाँ पे आपने 5,000 यूनिट को मल्टीप्लाई किया 40 से और माइनस कर दिया आपने 163,500 जो कि फिक्स कॉस्ट था, तो आपके पास रिजल्टिंग प्रॉफिट आ गया 36,500. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 125 यूनिट का, तो 125 यूनिट का रिस्क है तो उस पर कितना कंट्रीब्यूशन लॉस होगा ये देख लो. तो 125 यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे 40 से जो कि कंट्रीब्यूशन पार्ट है, यानी 5,000. ठीक है, तो अब आपके पास कितना आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया रुपीज़ में 5,000, वो कितना था यूनिट में था. अब आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया है 36,500 का, स्टैंडर्ड डेविएशन भी रुपीज़ में आ गया है कितने का 5,000 का. ठीक है, और आपके पास वो भी है कि आपको चाहिए कितना है, जिसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो प्रोबेबिलिटी आपने 40,000 के लिए निकालना है, तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी 40,000 जितनी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें से माइनस करोगे जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया है और डिवाइड कर दोगे उसको स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन से. क्लियर है बात. तो 40,000 माइनस 36,500 डिवाइड किया आपने 5,000 से, तो आपके पास रिजल्ट आ गया 0.70, यानी कि हमारे पास 0.70 इतनी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास 40,000 का प्रॉफिट हो सकता है. ठीक है, 70% की प्रोबेबिलिटी है. तो इसको इस तरीके से फिर उन्होंने दिखा दिया है. वी सी दैट द वैल्यू ऑफ 40,000 कॉरस्पॉन्डेंट टू द जेड 0.70 द स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन यूजिंग द स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोफिटेबिलिटी टेबल. वी सी दैट द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व Z0.70 is 0.7580. Thus, 1 minus 0.7580 is equal to 0.282420 is the probability of the profit that will exceed the 25,000. तो इसमें क्या है, इसकी जो Z की वैल्यू आपके आ गई थी 0.70, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आप इसकी वैल्यू देख लीजिएगा Z डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे. तो ये वैल्यू आपने पुट कर दिया और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.202420 इतनी प्रोबेबिलिटी हमारी कि हमारा जो प्रॉफिट है वो एक्सीड कर जाएगा. ठीक है, तो ये तो हमारा अनसर्टेनिटी फैक्टर के था. तो अनसर्टेनिटी फैक्टर में आप ये ध्यान रखना है, आपने क्या सोचना है कि जितना आप एस्टिमेट कर रहे हो जितने की और जितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, दोनों को पहले मॉनेटरी उसमें वैल्यू में निकाल लेना है और उसके हिसाब से जेड की वैल्यू निकालनी है आपने. फिर जेड का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ले करके उसके अकॉर्डिंग जितनी वैल्यू है उसको 1 में से माइनस करेंगे, तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उतना हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी प्रॉफिट होने की. तो हमने दो एस्पेक्ट खत्म किया, एक तो हमने CVP एनालिसिस नॉर्मल वाले केस में किया, उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड पे किया था, और दूसरा हमने अनसर्टेनिटी वाले कॉन्सेप्ट में कर लिया.
अब तीसरा हमारा आ रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे हम CVP एनालिसिस कैसे करते हैं। CVP एनालिसिस कैन ऑल्सो बी अप्लाई टू द डिसीजन बाय सर्विस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू अप्लाई CVP एनालिसिस इन सर्विस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वी नीड टू फोकस ऑन मेजरिंग देयर आउटपुट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द टेंजिबल यूनिट सोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग एंड मर्केंडाइज कंपनीज। ठीक है, तो ट्रेडिंग वाले से अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो अपना सर्विस वाला मैन्युफैक्चरिंग वाले से अलग होता है, ट्रेडिंग से अलग होता है। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें इनको इनके एस्पेक्ट को अलग से देखना पड़ेगा। अब इसके एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से। एक्सपर्ट रोडवेज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इज प्लानिंग टू रन अ फ्लैट और फ्लीट ऑफ 15 बसेज इन बिलासपुर सिटी ऑन फिक्स रूट। एक ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल कंपनी है, वो क्या चाह रहा है कि बिलासपुर के अंदर 15 बसेज को चलाए फिक्स रूट पे। कंपनी ने एस्टिमेट किया कि टोटल 2,51,85,000 पैसेंजर्स किलोमीटर पर एनम, यानी एक साल के अंदर ये 2,51,85,000 पैसेंजर किलोमीटर को चला लेगा। इट इज़ एस्टिमेटेड बसेज टू हैव 100% लोड फैक्टर। बस के पास 100% मतलब पूरे पैसेंजर भरे रहेंगे। बसेज आर परचेज एट प्राइस ऑफ 44 लाख पर यूनिट हुज स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज 5,50,000। ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द बस एक्सक्लूडिंग अ ड्राइवर सीट इज 42, मतलब टोटल ड्राइवर सीट को छोड़ के 42 की कैपेसिटी है। ठीक है, ईच बस कैन गिव अ माइलेज ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर पर लीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर पर लीटर। एवरेज कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज 66 पर लीटर। कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट एंड सन्ड्रीज पर 1,000 किलोमीटर वुड बी 3,300। कंपनी विल पे 27,500 पर मंथ टू ड्राइवर एंड टू अटेंडेंट फॉर ईच बस। हर बस के अंदर कितना होगा, एक ड्राइवर होगा और दो अटेंडेंट होगा। तो हमने ड्राइवर की सीट तो वैसे भी छोड़ रखी है 42 के अंदर, तो दो अटेंडेंट हमारी सीट ऑक्यूपाई करेंगे, तो उसको भी हटाना पड़ेगा। देखते हैं आगे, उससे हमें रेवेन्यू तो होगा नहीं। अदर एनुअल चार्जेस पर बस इंश्योरेंस इज 55,000। गैरेज चार्जेस है 33,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 55,000। रूट परमिट चार्जेस है 20,000 किलोमीटर इज 5,500 एंड 2,200 फॉर एवरी एडिशनल 5,000 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ। अब आपको करना क्या है, रिक्वायर्ड कैलकुलेट अ सजेस्टेड फेयर पर किलोमीटर टेकिंग इनटू अकाउंट मार्कअप ऑन कॉस्ट एट द रेट 20% टू कवर जनरल ओवरहेड एंड सफिशियंट प्रॉफिट। द ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ बिलासपुर इज हाईली रेगुलेटेड। द गवर्नमेंट हैज़ फिक्स द फेयर एट 1.35 फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। कमेंट ऑन द 2 ईयर प्रॉफिटेबिलिटी टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द इन्फ्लेशन रेट इज 8%। तो आपको क्या करना है, अच्छा एक और बात बोला इसने, नोट रूट परमिट चार्जेज इज नॉट सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन, यानी रूट परमिट चार्जेज में कोई इन्फ्लेशन नहीं है, बाकियों में इन्फ्लेशन 8% का है। अब 2 साल के अंदर, यानी 1 साल में तो आप नॉर्मल निकालेंगे, अगले साल का जो आप निकालेंगे तो उसके अंदर 8% का इन्फ्लेशन रेट को भी एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन एक बार समझ में आया होगा, दोबारा एक बार हम इसको समराइज कर देते हैं। देखो, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो 15 रूटों के अंदर बस चलाना चाहती है, 15 बसें चलाना चाहती है। उसका एस्टिमेट यह है कि 2,51,85,000 पैसेंजर किलोमीटर वो चला लेगा। उसने बस खरीदा जिसकी एक बस की कॉस्ट है 44 लाख और वो 5 साल तक उसका लाइफ है, 5 साल ही चलेगा और 5 साल बाद वो 5,50,000 में बिक जाएगा या उसका सैलवेज वैल्यू है। तो अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो कितना लग जाएगा, 44 लाख में से आप माइनस करेंगे 5,50,000 और डिवाइड कर देंगे आप 5 से, तो आपके पास 7,70,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले तो इसमें फिक्स कॉस्ट, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि नॉन जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कर रहे हैं, CVP एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो फिक्स कॉस्ट है उसको हम अलग कर लेंगे, क्योंकि हमारा CVP एनालिसिस के अंदर पर्पज़ क्या होता है, हम फिक्स कॉस्ट को ही सेग्रीगेट करते हैं, जो कि पर यूनिट कॉस्ट होता है और नॉन यूनिट कॉस्ट होता है उनको। तो हमारे पास जो फिक्स है, एक तो आपका डेप्रिसिएशन फिक्स हो गया है, दूसरा आपका जो एनुअल चार्जेस है, यानी एक साल की बात करते हैं, इंश्योरेंस 55,000 का ये फिक्स हो गया, गैरेज चार्जेस 33,000 ये फिक्स हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 55,000 ये फिक्स हो गया, और रूट परमिट चार्जेस अप टू 20,000 किलोमीटर 5,500, तो इसको भी पार्टली फिक्स कर सकते हैं।
इसको अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फिक्स वाले को अलग कर लेते हैं, फिर वेरिएबल वाले को अलग कर देते हैं, फिर कॉस्ट हो गया, फिर हम कंट्रीब्यूशन को अलग निकाल लेंगे और कंट्रीब्यूशन से इसको डिवाइड कर देंगे। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, कंट्रीब्यूशन आपके पास टोटल नंबर ऑफ सीट कितने हैं, 42, जिसके अंदर से दो अटेंडेंट वाले हटा देंगे तो आपके पास 40 सीट्स ऐसी हैं जो कि रेवेन्यू जनरेट करके देगी। अब 40 सीट्स में जो पैसेंजर, जो गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है किराया, उसके हिसाब से आपको वो फेयर चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो रेवेन्यू निकल रहा है वो, उसके अंदर से आप वेरिएबल कॉस्ट को घटाएंगे, फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे, तो जो बैलेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। फिर उसको पर यूनिट के हिसाब से हम निकाल करके ये डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए क्या ये प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। तो इसको करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप रनिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो देखो हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ आ जाइए स्टेटमेंट की तरफ। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट क्या क्या है, आपके पास इंश्योरेंस है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपके पास 15 बसों का डिटेल दिया हुआ था ऊपर, लेकिन जो ये खर्चा दिया हुआ है ना अदर एनुअल खर्च, वो दिया हुआ पर बस, ठीक है ना। तो ये गलती ना हो क्वेश्चन के अंदर, पर बस। तो हमें सारे खर्चे को पर बस यानी एक बस के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या है, फिक्स कॉस्ट में आपके पास इंश्योरेंस 55,000 रुपये का है, गैरेज चार्जेस 33,000 का दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन हमने 7,70,000 निकाल लिया। कैसे निकाला हमने, एक बस आपको 44,00,000 का मिल रहा है जिसका रेजिडुअल वैल्यू 5,50,000 है, तो 44,00,000 में से 5,50,000 माइनस किया आपने, डिवाइड कर दिया 5 से, क्योंकि 5 ईयर उसकी लाइफ है, तो आपके पास 7,70,000 निकल कर आ गया। तो ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया। फिर हमारे पास आता है रनिंग एक्सपेंसेस। रनिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ध्यान रखना है कि ये पर बस होना चाहिए, तो ये पर बस ही दिया हुआ है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 55,000 रुपये का दिया हुआ है, तो आपने इसको 55,000 रुपये यहाँ एज इट इज लिख लिया। फिर दूसरे नंबर पे आ रहा है कॉस्ट एंड लुब्रिकेंट, क्या क्या, देखो आपने इंश्योरेंस लिख दिया, गैरेज चार्जेज लिख दिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिख दिया, रूट परमिट चार्जेज लिखा हुआ है, तो इसको हम नीचे देखेंगे अलग से। इससे पहले ऊपर हमारे पास दिया हुआ है, देखिए सीटिंग कैपेसिटी देखिए 42 का, और बस कैन गिव ए माइलेज ऑफ 5 किलोमीटर प्रति पर लीटर, एवरेज कॉस्ट फ्यूल का रेट है 66 पर लीटर। तो हम पहले यही निकाल लेते हैं कि हमारे पास जो कितने लीटर तेल है वो लगेगा। तो उसके लिए आप एक काम करो, वर्किंग नोट की तरफ आ जाओ, इसके लिए पहले हमें ये निकालना जरूर पड़ेगा। टोटल पैसेंजर किलोमीटर हमारे पास दिया हुआ है 2,51,85,000, नंबर ऑफ बसेज आपके पास दिया हुआ है 55, तो 2,51,85,000 को डिवाइड करोगे 15 से, तो आपको एक बस का जो पर बस है ना किलोमीटर वो आ जाएगा, यानी एक बस कितने किलोमीटर दूरी तय करता है वो निकल के आ जाएगा। तो वो आ गया आपके पास 16,79,000। कैसे आया, 2,51,85,000 को डिवाइड किया हमने 15 से, तो हमके हमारे पास ये आ गया फिगर। अब बात आती है टोटल पैसेंजर कैपेसिटी कितनी है, 42 बंदे बैठ सकते हैं कम बस के अंदर, लेकिन उसमें से जो दो हैं उसको माइनस कर दिया हमने, दो बंदे हैं वो माइनस कर दिए हमने, क्योंकि दो हमारे पास क्या थे, अटेंडेंट, तो अटेंडेंट वाला जो सीट था उसको हमने माइनस कर दिया, उससे रेवेन्यू मिलेगा नहीं। तो अब हमारे पास जो 40 सीट बन गई जो रेवेन्यू जनरेट करने वाली है, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे पास एनुअल डिस्टेंस कवर करता है बस, उसको निकाल लिया। वो कैसे निकाल लिया, 40 पैसेंजर एक बस हमारे पास 16,79,000 का डिस्टेंस तय करता है, उसको डिवाइड कर देंगे आप 40 नंबर ऑफ सीट से, तो आपके पास आ जाएगा 41,975 किलोमीटर। तो आपके पास ये किलोमीटर पैसेंजर एनुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय पर बस कितना डिस्टेंस कवर करता है वो निकालने के लिए ये हमें वर्किंग नोट करना पड़ा। तब आपके पास किलोमीटर आ गया 41,975 का, ठीक है। अब क्या करो आप, 41,975 को प्रेस कर लो, 41,975, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 5 किलोमीटर पर लीटर चलता है, तो डिवाइड कर दो इसको 5 से, तो आपके पास आ गया 83,95, ये आपके पास किलोमीटर आ गया, मतलब इतने लीटर पेट्रोल लग जाएगा आपका। मल्टीप्लाई करो, एक लीटर का कॉस्ट कितना है, 66 रुपये, ये दिया हुआ है हमारे पास 66 रुपये, तो आपके पास ये आ गया 5,54,070 रुपये। ये देखिए 5,54,070 रुपये के हिसाब से खर्चा आ गया। अब आ रहा है कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट का, तो ये बोला इसने 1,000 लुब्रिकेंट का कॉस्ट कितना है हमारे पास, ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट ऑफ एंड सन्ड्री पर 1,000 किलोमीटर वुड बी 3,300। तो 1,000 किलोमीटर का 3,300 रुपये लगेगा। हमारे पास टोटल किलोमीटर कितने हैं, 41,975, जो अभी हमने वर्किंग नोट में निकाला था ना, देखो नीचे की तरफ आ जाओ, 41,975 आपने निकाला था, इसमें इसको डिवाइड कर दो 1,000 से, क्यों,
क्योंकि 1000 किलोमीटर पे हमें रेट दिया हुआ है, तो 1000 किलोमीटर पे रेट दिया हुआ है कितने रुपए के हिसाब से है, 3300 रुपये, तो डिवाइड किया हमने 1000 से, तो आपके पास आ गया 41.975। ये देखो 41975 आपके पास आ गया होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे, 3300 रुपये से, 3300 से, तो आपके पास आके आ गया 1,38,517, 1,38,517 रुपये। देखो 1,38,517 रुपये 50 पैसे ये हमारे पास निकल के आ गया। तो कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट भी आ गया, फ्यूल भी आ गया, ठीक है। अब हमारे पास रनिंग खर्चे हैं कुछ, उससे पहले क्या है, सैलरी टू ड्राइवर और परमिट चार्जेज है, ये हमारे फिक्स नेचर के हैं, तो सैलरी तो देनी पड़ेगी। सैलरी कितनी है देखो, जल्दी से देखो कहाँ है सैलरी, गैरेज हो गया, उसके बाद हमारे पास था ये रहा, कंपनी विल पे 27,500 पर मंथ टू ड्राइवर एंड टू अटेंडेंट फॉर ईच बस, तो 27,500 रुपये देने पड़ेंगे इनको, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसको मेंशन कर दो, कितना हो जाएगा 27,500 इंटू में कितने वो थे, 3 बंदे हैं ना, और महीने के हिसाब से निकालना पड़ेगा, तो आपके पास निकालना पड़ेगा सैलरी टू ड्राइवर कितना दिया है। दोबारा पढ़ो इसमें, ये कह रहा है कंपनी विल पे 27,500 पर मंथ टू ड्राइवर एंड टू अटेंडेंट फॉर ईच बस, ठीक है। सो 27,500 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये आपके पास दिया हुआ है पर मंथ, ओके पर मंथ दिया हुआ है, तो 27,500 मल्टीप्लाई बाय में 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 3,30,000 रुपये, ठीक है। देख लीजिए फटाफट, 3,30,000 रुपये आपके पास सैलरी टू ड्राइवर आ गया। अब आ रहा है, अब बात आती है रूट परमिट चार्जेस की, तो रूट परमिट चार्जेस कितना बोला है इन्होंने, देखो रूट परमिट चार्जेस बोला है हमारे पास ये रहा, रूट परमिट चार्जेस अप टू 20,000 किलोमीटर इज 5,500 एंड 2,200 फॉर एवरी एडिशनल 5,000 किलोमीटर पर अनपार्ट देयर ऑफ, ठीक है। तो ये बोल रहा है आपके पास कि आपको जो 20,000 किलोमीटर तक 5,500 लगेगा और उसके बाद हर 5,000 किलोमीटर पे 2,200 रुपये लगेगा। आपके पास टोटल किलोमीटर कितना था, 41,975, जो अभी अभी हमने वर्किंग नोट निकाला है, देखिए नीचे जल्दी से देखो 41,975 ने निकाला था, तो इसमें से बोल रहा है कि 20,000 किलोमीटर तक तो आपको लगेगा 5,500। क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में फटाफट से ये देखो, इसने बोला रूट परमिट चार्जेज अप टू 20,000 किलोमीटर 5,500, तो माइनस करो आप 20,000 इसमें से, तो आपके पास आ गया किलोमीटर 21,975, ये किलोमीटर रिमेनिंग रह गए। अब हर 5,000 किलोमीटर पे 2,200 रुपये है, तो इसको डिवाइड कर दो 5,000 से, तो आपके पास आ गया 4.395, यानी 4 तो पूरा और 0.3 यानी पार्ट देयर ऑफ, तो वो भी तो इसको 5 ही मानेंगे, तो 5 मान लो, तो 5 वाला जो टाइम आया यानी 5 हर 5,000 किलोमीटर के 5 स्लॉट है हमारे पास, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, 2,200 से, तो आपके पास आ गया 11,000, यानी जो ये पार्ट देयर ऑफ वाला है ना उसमें 11,000 रुपये तो यहाँ मिल गए आपको, और 5,500 तो फिक्स है ही 20,000 किलोमीटर पे, तो ये 5,500 को यहाँ ऐड कर दो, तो टोटल आ गया आपके पास 16,500, तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं। ये देखिए, ये इसमें रूट परमिट चार्जेस ने 16,500 लिख दिया। अब क्या करो, जितना भी आपके पास फिक्स प्लस रनिंग एक्सपेंडिचर है इन सबको जोड़ दो, तो इन सबको जोड़ने के बाद आपके पास आ जाएगा 19,52,087 रुपये 50 पैसे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो पार्ट नंबर 1 था उसमें बोला है इन्होंने सुजेस्ट द फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर टेकिंग इनटू अकाउंट मार्कअप ऑन अकाउंट ऑफ 20% टू कवर जनरल ओवरहेड एंड सफिशिएंट प्रॉफिट। मार्कअप कितना कवर करना है, 20% कवर करना है। तो आप क्या करो, अब जितना टोटल कॉस्ट निकल के आया है जो हमने टोटल ऐड किया इसके अंदर, यानी जो 55,000, 33,000, 77,000 इसको जोड़ के बाद इतना है हमारे पास, ये आ गया 19,52,087 रुपये, 19,52,087 रुपये 50 पैसे, ठीक है। ये कॉस्ट आ गया, अभी मार्कअप कितना जोड़ना है इसमें, 20% कॉस्ट का, तो ये कॉस्ट का 20%, तो इनटू में 20% कर दो इसका, तो ये आ गया आपके पास 3,90,417 रुपये 50 पैसे, तो ये आपका मार्कअप हो गया यानी कि प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो कॉस्ट आपका इसमें प्लस करो, तो कॉस्ट कितना था, 19,52,087.50, तो टोटल आपके पास जो रिवेन्यू आना चाहिए वो आ गया 23,42,505, देखो इसमें भी 23,42,505, ये तो आपको रेवेन्यू आना चाहिए, ठीक है। अब टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना है उसके हिसाब से हमें पर पैसेंजर कॉस्ट निकल आएगा, तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर आपने निकाला था जितना, जो 2,51,00,000 समथिंग दिया हुआ है ना टोटल, ऊपर देख लीजिए क्वेश्चन में फटाफट, ये देखो ये इसको आपने, ये तो किसका था, ये सारे 15 बसों का था, इसको डिवाइड किया था आपने 15 से, तो जो बैलेंस आया था वो है किलोमीटर आपका एक्चुअल में, जो एक पर बस लेकर के चल रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई करके हमने कितना निकाला था, ये देखिए ये हमने निकाला था, और पर पैसेंजर के हिसाब से ये निकला था 16,79,000, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया है
16,79,000 से, तो ये आपके पास आ गया 1.395। ये रेट हो गया पर पैसेंजर किलोमीटर इक्वल टू 1.39, ठीक है, 5 ये होना चाहिए पहले के हिसाब से। अब दूसरे केस में ये तो आपके हिसाब से आपने नॉर्मली अपना कॉस्ट निकाला, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा और उसके हिसाब से पर पैसेंजर कॉस्ट जो जितना चार्ज हमें रखना है वो निकाल लिया। अब दूसरे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में बोला है कि गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है 1.35 रुपीज़ फॉर नेक्स्ट टू ईयर तक के लिए, और आप इन्फ्लेशन रेट आपका 8% है, इसके हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है। तो करना क्या है, दोनों का ईयर वन और ईयर टू का आप चार्ट बना लेंगे और इसमें जो ईयर वन में तो वही खर्चे रहेंगे एज इट इज़, ईयर टू के अंदर इन्फ्लेशन रेट जो 8% है उसको भी कवर करेंगे, उसके हिसाब से आप रेट लगा लेंगे और फिर आप उसका जो कॉस्ट है वो निकाल करके इसमें दिखाएंगे। तो अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले इन दोनों को चार्ट में बना लीजिए और जो 8% का इन्फ्लेशन है उनको, उस वाले इफेक्ट को ले लीजिए। कैसे करेंगे आप, जैसे कि हमने पहले पार्ट में किया हुआ है, फिक्स कॉस्ट रनिंग कॉस्ट को एज इट इज़ आपने फॉर्मेट बनाना है, और जैसे 55,000 है इसमें क्या करना है, ऐड करना है 8%, हर एक खर्चे में 8% ऐड करना है, लेकिन उनमें करना है जिन पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट आता है, जैसे डेप्रिसिएशन है इसमें नहीं आएगा तो इसमें नहीं करेंगे हम, ठीक है, फ्यूल पे आएगा तो करेंगे, इसमें का आएगा तो करेंगे, रिपेयर मेंटेनेंस पे भी आएगा, जो रूट परमिट चार्जेस पे स्पेसिफिकली बोला हुआ है क्वेश्चन ने कि उस पे कोई इफेक्ट नहीं आना, जैसे ये नोट में लिखा हुआ है रूट परमिट चार्जेस इज नॉट सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन, तो इसमें हम नहीं लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हमने बना रखा है फिक्स एक्सपेंडिचर में ईयर वन ईयर टू को हमने बना दिया, 59,400 कैसे आया, 55,000 में प्लस कीजिए आप 8% फ्लैट, 55,000 प्लस 8% तो आपके पास 59,400 आएगा, फिर 59,400 में फिर प्लस कीजिए 8% तो 64,152 आ जाएगा। ये तो सब में जो खर्चे इन्फ्लेशन से अफेक्ट होते हैं उनको हमने 8% ऐड करके ये सारा एज इट इज़ ले लिया, ठीक है जी, इसमें कोई अलग से हमने कोई तीर नहीं मारा, देखिए इसमें भी कर लिया, हमारे पास 7,70,000 जो डेप्रिसिएशन उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं आएगा, फ्यूल पे आएगा, सैलरी पे आएगा, रूट वाले पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रूट परमिट चार्जेस मना किया हुआ है तो एज इट इज़ हमने ले लिया। फिर क्या करना है, इन सबको टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसके साथ आपको जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया हुआ है, कितना किया हुआ है, 1.35 रुपीज़ इतना किया हुआ है, किलोमीटर आपको पता है 2,51,000 जो हमने निकाला था ना, ये वाला, ये देखिए यहाँ पे 16,79,000, ये कैसे निकाला था, 2,51,85,000 को डिवाइड किया था 15 से, तो ये हमारे पास आ गया था 16,79,000, ये आया था मोड, तो हमने क्या करना है 16,79,000 को मल्टीप्लाई करना है 1.35 से, तो आपके पास आ जाएगा 2,26,66,650 ये आ गया। तो ये रेवेन्यू आपने एज इट इज़ यहाँ लिख देना है, देखिए, और रेवेन्यू दोनों केस में सेम आएगा, रेवेन्यू आपने लिख दिया, कॉस्ट अलग अलग आएगा, इसके बाद रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस प्रॉफिट का परसेंटेज आप निकाल लेंगे, इजी है, 2,21,000 को डिवाइड कर देंगे इससे जो सेल है टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास ये परसेंटेज आ जाएगा 9.76 और ऊपर 5 दूसरे वाले ईयर में 5.32, पहले वाले साल में 20% आ रहा था तो इन्फ्लेशन की वजह से। अब क्या करना है, आप इसको एडवाइस देना है, देखो क्या आपका ग्रोस मार्जिन तो घट रहा है तो फिर भी आप एडवाइस दे सकते हैं, क्या कहेंगे आप, द ग्रोस मार्जिन इन सोइंग अ डाउन वर्ड ट्रेंड बिकॉज द कॉस्ट कंपोनेंट हैव टेकन इन टू द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, हैंस इंक्रीजिंग ईयर बाय द टोटल रेवेन्यू हैज़ रिमेन strengthened due to the government regulation which result in reduction in the growth margin per bus. The company's growth margin to total revenue ratio has been out to 9.76% and 5.32% in the first and second year respectively. But initially the company desire gross margin to total revenue ratio is 16.67. Initially kya decide kiya tha? 16.67 hona chahiye. Jabki hai kya? 9.76 aur 5.32. To cover the general overhead and sufficient profit, though the amount of general overhead is not given, but we can safely assume that they may also subject to inflation, that is increase year by year. Then in the such case, the company need to maintain increase its gross margin per bus to maintain its net profit after general overhead, which is not possible in regulated environment. The information about the regulation fare in given case is regarding the first 2 year only, but if the regulated fare scenario persists for the further year,
देन द प्रोजेक्ट मे नॉट बी वाइबल फॉर द कंपनी। अगर मान लीजिए वो रेगुलेशन जैसे, क्योंकि देखो इसमें अपन कंट्रोल क्या कर सकते हैं, हाँ पोस्ट ही तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन पोस्ट तो उसने बेस्ट पॉसिबल मैनर में कंट्रोल किया हुआ है, और भी मान लो थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन जब सेल का प्राइस ही गवर्नमेंट ने इतना ही डिसाइड किया है तो पोस्ट कितना भी कर लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे कि इसका, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है ना, इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा, कॉस्ट इंक्रीज होगा, लेकिन रेवेन्यू बढ़ नहीं रही है तो इसको प्रॉफिट तो होगा ही नहीं ना। जैसे अगर यही वाला सिचुएशन रहा तो फ्यूचर ईयर में अभी 9.76 से 5.32 हुआ, फिर और कम होगा, और ऐसे ऐसे करके ये वाइबल नहीं रहेगा प्रोजेक्ट, ये प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो ये हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस सेक्टर पे एक बेस क्वेश्चन था, उसको हमने अंडरस्टैंड किया। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है जस्ट इन टाइम में। जस्ट इन टाइम आपने सेकंड चैप्टर में भी किया हुआ है। जस्ट इन टाइम का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हमारे पास स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगती है, और जब हमें प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है हम सेम टाइम पे ऑर्डर करते हैं और हमें वो मिल जाता है, और सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास लगता है, उसके अलावा दूसरे इससे हमारे पास जो स्टोर करने की जो कॉस्टिंग है वो नहीं लगती है, ठीक है। अब CVP एनालिसिस यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज कैसे करेंगे जस्ट इन टाइम एनवायरमेंट में, इसको देखते हैं। इन ए फर्म हैज़ इम्प्लीमेंटेड जस्ट इन टाइम द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड इज रिड्यूस एंड फिक्स कॉस्ट आर इंक्रीज डायरेक्ट लेबर इन कंसर्न एज ए फिक्स इंस्टेड ऑफ वेरिएबल। डायरेक्ट लेबर को फिक्स मानेंगे इसमें वेरिएबल की बजाय, ठीक है। ऑन द अदर हैंड डायरेक्ट मटीरियल वेरी विद द प्रोडक्शन वॉल्यूम यूनिट वेज वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू एम्फेसिस ऑन द टोटल क्वालिटी एंड लॉन्ग टर्म परचेजिंग वेस्ट स्क्रैप एंड क्वान्टिटी डिस्काउंट आर रिमूव। अदर यूनिट बेस्ड वेरिएबल कॉस्ट सच एज द पावर एंड सेल कमीशन ऑल्सो एग्जिस्ट। फर्दर द बैच लेवल वेरिएबल इज अब्सेंट एज इन जस्ट इन टाइम द बैच इज इक्वल टू वन यूनिट, देयरफॉर द कॉस्ट इक्वेशन फॉर द जस्ट इन टाइम कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलोज। तो अब मुद्दे की बात यह है कि आपको ये वाली इक्वेशन ध्यान रखनी है कि टोटल कॉस्ट आप जस्ट इन टाइम में CVP एनालिसिस करते हुए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वही फिक्स कॉस्ट लेंगे, उसमें प्लस करेंगे आप यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट, क्या करेंगे यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट में कितना खर्चा लगता है, वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है और कितने यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट कितना है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे इंजीनियरिंग कॉस्ट और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर से। तो जैसा हमने ब्रेक इवन निकाला था वैसे ही आप जस्ट इन टाइम में CVP को एनालाइज करते हुए निकालेंगे, ठीक है। फिक्स कॉस्ट में प्लस करेंगे क्या, जो वेरिएबल यूनिट है, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट, प्लस करेंगे इंजीनियरिंग पर यूनिट आवर और नंबर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इंजीनियरिंग आवर से, ठीक है। तो आपके पास एक फिगर निकलेगा जिसको हम टोटल कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। मैनेजर ऑफन यूज CVP एनालिसिस टू गाइड अदर डिसीजन, मैनी ऑफ देम आर ऑफ स्ट्रेटेजिक नेचर ड्यू टू द ट्रेमेंडेजियस पोटेंशियल ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। अब ये हमारा CVP एनालिसिस का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, चलिए फटाफट ऊपर चलिए क्वेश्चन, जो हमारा बिल्कुल फ्रंट पेज था, पहला पेज, उसमें वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना कवर किया है। ये हमने आ जाओ, अरे भैया आ जाओ ऊपर, हाँ यहाँ ये हमने कवर कर लिया है। देखिए CVP एनालिसिस में हमने एक्टिविटी बेस्ड को कवर कर लिया, इसमें ब्रेक इवन निकालना था, लास्ट में जस्ट इन टाइम में भी वही फॉर्मूला है लगभग, ठीक है, जस्ट में वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है और इनटू में और ये वाले दोनों में मिलता जुलता है। दूसरा हमने एनालाइज किया है अनसर्टेनिटी के बेस में, उसमें क्या करते हैं हम जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है उस फैक्टर को एनालाइज करते हैं, फिर हमें जितना टारगेटेड प्रॉफिट होता है और जितना हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया है उसको डिवाइड करते हैं आप किससे, जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट होता है, जितना हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन निकलता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं रुपीज़ के फॉर्मेट में। इसके बाद हमारे पास अगला आया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हमने अभी किया, इसको हमने डिटेल में देखा, इन्फ्लेशन कॉस्ट वगैरह को देख करके जो बसेज वाला किया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी तक हमने ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट आने वाले, इसको हम कवर करेंगे सबको, फिर हम उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स को देखेंगे और फिर एथिकल और जो नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन है इसको हम कवर करने वाले हैं। चलिए फटाफट आ जाइए बिना टाइम गवाए हुए नीचे आते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी आपको अच्छा लग रहा है तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों के काम आ सके। चलिए ये आता है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में जो हम क्या क्या फैक्टर को कंसीडर करते हैं, पहला तो होता है बेस्ड ऑन रेलिवेंट कॉस्टिंग। रेलिवेंट कॉस्ट मैंने डिस्कस पहले भी किया है क्लास के स्टार्टिंग में, अब इसमें भी डिटेल में करेंगे। दूसरा है रेफर टू एज ए टैक्टिकल डिसीजन, टैक्टिकल डिसीजन ये हम पढ़ेंगे अभी। तीसरा चूजिंग अमंग द अल्टरनेटिव, जो आपके पास अवेलेबल अल्टरनेटिव उसमें से चुनना। ऑफन हैव लॉन्ग रन कॉन्सिक्वेंसेज, शॉर्ट टर्म जो डिसीजन लेते हो इसका लॉन्ग टर्म में भी कॉन्सिक्वेंसेज होता है। इमीडिएट और लिमिटेड टाइम फ्रेम, स्मॉल स्केल एक्शन दैट सर्व लार्ज पर्पज, ठीक है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखो इसको इसका थोड़ा सा बेस पढ़ लेते हैं।
शॉर्ट रन डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व द एक्शन ऑफ चूजिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन अमंग द वेरियस फिजिबल अल्टरनेटिव अवेलेबल. शॉर्ट टर्म डिसीजन समटाइम आर रेफर्ड टू एज ए टैक्टिकल और रेलिवेंट डिसीजन बिकॉज दे इन्वॉल्व चूजिंग बिटवीन द अल्टरनेटिव विद द इमीडिएट और लिमिटेड टाइम फ्रेम. स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऑन अदर हैंड यूजअली आर लॉन्ग टर्म इन नेचर बिकॉज दे इन्वॉल्व चूजिंग बिटवीन द डिफरेंट स्ट्रेटेजी दैट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड ए कम्पिटेटिव एडवांटेज ओवर ए लॉन्ग टाइम फ्रेम. शॉर्ट टर्म डिसीजन इन्वॉल्व इवेल्युएशन ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द शॉर्ट टर्म एक्शन सच एज वेदर टू मेक अ प्रोडक्ट और आउटसोर्स, whether to accept a special order, whether to keep or drop an unprofitable segment, and whether to sell a product as in or process it further. If resources are limited, manager may also have to decide on most appropriate product mix. While such decision tend to be short-term in nature, it should be emphasized that they often have long-run consequences. Consider a second example. Suppose that a company is thinking about producing a component instead of buying it from the supplier. The immediate objective may be lower the cost of making the main project. Yet this decision may be similar small part of the overall strategy of establishing a cost leadership position of a firm. Therefore, short-term decisions often are small-scale action that serve a large purpose. ठीक है, और ये तो हो गया जो स्मॉल स्केल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो मान लीजिए हम आप एक एग्जांपल इन्होंने बताया कि अगर आप कोई प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं किसी और से बनाना चाहते हैं तो ये क्यों करना चाहते हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा होगा. कॉस्ट को सेविंग करना ही तो एक कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी के तहत आता है. दूसरी बात आता है द टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग अप्रोच जस्ट डिस्क्राइब एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड यूजिंग द रेलिवेंट कॉन्सेप्ट रेलिवेंट कॉस्ट. But how do we identify and define the cost that affect the decision? Okay, for a cost to be relevant to a decision, it must be a future cost that is related to future. A differential cost that is its level must be different for each of the alternative under consideration. Accordingly, only future cost can be relevant to decisions. However, to be relevant, a cost must not only be a future cost but also differ from one alternative to another. If a future cost is same for more than one alternative, it has no effect on the decision. Such a cost is irrelevant cost. The ability to identify the relevant and irrelevant cost is a vital decision making skill. So, dekho, आपको क्या करना है टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, आपको ये पता करना होता है कि कौन सा जो कॉस्ट हमारा वो रेलिवेंट कॉस्ट है और कौन सा इररेलीवेंट कॉस्ट है. इनके बीच का जो सेग्रीगेशन है वो एक स्किल के बेस पे डिपेंड करता है. आपको अपने जनरली जो एक सिनेरियो दिया हुआ वो ये है कि जो फ्यूचर कॉस्ट होता है उसी को हम रेलिवेंट कॉस्ट मान के चलते हैं. फ्यूचर कॉस्ट का मतलब जैसे क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे. वैसे अभी बता के लिए बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपका एक शेड है, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपकी वर्कशॉप है जिसमें आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. अब उसमें क्या हुआ कि आप एक और मशीन ले आए, वो मशीन पे जो जॉब वर्क आप करेंगे वो पहले भी बाकी मशीन पे कर रहे थे. तो अब जो नया मशीन लाने की वजह से आपका खर्चा क्या बढ़ेगा, क्या शेड का किराया उस मशीन पे आप डाल सकते हैं? नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उस अगर वो मशीन नहीं होती तब भी आपका शेड का किराया तो जाता ही जाता. ठीक है, वही वाला स्टाफ आपका यहाँ भी कर सकता है, उसका फ्री टाइम रहता है, फ्री टाइम में आप इस मशीन पे उसको इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसका वो जो कॉस्ट है वो भी आप सेविंग, क्योंकि आपको सैलरी तो देनी ही पड़ती, अब आप उससे एक्स्ट्रा काम ले सकते हो. तो क्या वो वाली कॉस्ट भी इसमें रेलिवेंट है? तो वो भी रेलिवेंट नहीं है. हाँ, अब इस मशीन के मेंटेनेंस पे, इस मशीन पे लगने वाले रॉ मटेरियल पे जो खर्चा होगा उन पे जो कॉस्ट है वो इसका रेलिवेंट है. तो यानी इससे जो फ्यूचर रिलेटेड कॉस्ट है वो रेलिवेंट कॉस्ट होता है और बाकी जो पास्ट खर्चे होते हैं वो संक कॉस्ट माने जाते हैं, उसको हम डिसीजन मेकिंग में कंसिडर नहीं करते हैं. क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन होता क्या है. विद इंक्रीज द कॉम्पिटिशन डायनामिक मार्केट चेंजेस एंड चेंजेस नीड ऑफ कस्टमर नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हैव गेन्ड अ रेलिवेंस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. इन्फॉर्मेशन टू विच मॉनेटरी वैल्यू कैन बी अट्रैक्ट इज इन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक नंबर ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉयज मोरल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द मॉनेटरी टर्म इज अ टर्म नॉन फाइनेंशियल इन नेचर. नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन is long-term focus and ensure the profitability and sustainability in long-term for an organization. Thereby evaluating the internal performance of a company, non-financial information which a company should focus that would turn out to be advantageous while making the decision for a
कंपनी आर क्वालिटी। अब देखो मॉनेटरी कंसिडरेशन तो हमने देख लिया, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कुछ होती है जिससे आपका कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है। अगर मान लीजिए आपका एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाई नहीं है और आपके जो रूल एंड रेगुलेशन है तो वो उतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाएगा जितना आप चाहते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्शन भी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। तो कौन कौन सा चीज़ें होती है जिसको आपको नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन को कवर करना पड़ता है? एक तो क्वालिटी, दूसरा एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, तीसरा कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, चौथा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पाँचवा एनवायरमेंटल फैक्टर, छठा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल असेट्स, कॉम्पिटिटर्स मूवमेंट, उसके अलावा ब्रांड नेम, डिसीजन मेड इन बिजनेस, रेस्ट ऑन द बैलेंस बिटवीन द प्रीसीव्ड इफेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फॉलोइंग आर लिमिटेड ऑफ नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्या क्या है? टाइम एंड कॉस्ट ऑफ कंपनी इन्वॉल्व, सब्जेक्टिव मेजरमेंट, नो प्रॉपर ऑफ द कॉमन डिनोमिनेटर टू मेजर द परफॉर्मेंस, इम्प्रॉपर मेजर विल लीड टू कंपनीज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द रॉन्ग एक्टिविटीज, लैक स्टैटिकल रिलायबिलिटी, पॉसिबल चांस ऑफ एरर, मैनेजमेंट डिस इंटीग्रेशन व्हेन एक्सेस ऑफ मेजर एंड इंडिकेटर्स इंडिकेशन यूज बाय द कंपनी, ठीक है। तो ये कुछ नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर है जो आपको कंसिडर करना है। उसके अलावा एक एथिक्स का कॉन्सेप्ट है, एथिक्स का एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एथिक्स आज द मॉरल प्रिंसिपल दैट गाइड द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल बाय देयर बिहेवियर एंड एटीट्यूड, मैनेजर सेट अ कंपनीज कल्चर। गाइडेंस ऑफ एथिक कंडक्ट क्या कहता है? आइडेंटिफाई एन एथिकल डिसीजन बाय यूजिंग द पर्सनल एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, आइडेंटिफाई कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द डिसीजन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द अदर, कंसिडर ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दोज दैट विल अफेक्ट बाय द डिसीजन, मेक अ डिसीजन दैट इज एथिकल एंड फेयर टू दोज अफेक्टेड बाई। मतलब कहने का है कि देखो जो बिजनेस के अंदर ये जो एथिकल प्रिंसिपल है ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर आप एथिकली काम कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में सर्वाइवेबिलिटी बड़ी आसान सी होती है और इससे मोराल भी सबका बढ़ता है और आपकी जो कॉस्ट में है उसमें भी इफेक्ट आता है, कॉस्ट रिडक्शन में भी बेनिफिट आता है। तो ये एक मतलब ऐसे इफेक्ट है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, तो ये भी हमें डिसीजन मेकिंग में ये फैक्टर भी काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास डिसीजन मेकिंग मॉडल है, डिसीजन मेकिंग करने के लिए ये मॉडल इस्तेमाल करते हैं। ए जनरल अप्रोच टू टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग इंक्लूड डिफाइन द प्रॉब्लम, सबसे पहले आप डिसीजन लेने के लिए क्या करोगे, कैसे प्रोसेस करोगे, तो ये मॉडल बता रहा है। इसके थ्रू पहले पे आप प्रॉब्लम को डिसाइड करोगे, दिक्कत क्या है, किस चीज़ के लिए मुझे डिसीजन लेना है। दूसरा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कितने अवेलेबल हैं, आइडेंटिफाई द अल्टरनेट, एलिमिनेट द अनफिजिबल अल्टरनेटिव। अब उनमें से मेरे लिए फिजिबल क्या है, मेरे लिए फिजिबल क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कोई एक ऑप्शन है जो कि बहुत कॉस्टली आ रहा है, दूसरा कम कॉस्टली आ रहा है लेकिन कम फायदा कर रहा है, तीसरा बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं आ रहा और उससे वो मतलब ठीक आपका काम चल सकता है, तो आपने वो जो अनफिजिबल है आपके लिए, मतलब अगर पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो उसमें अनफिजिबल है, या फिर वो साइज़ वाइज अनफिजिबल है, या फिर अवेलेबिलिटी वाइज अनफिजिबल है, तो उन वाले अल्टरनेटिव को हटा देंगे। फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द अल्टरनेटिव, जितना आप उस पर खर्चा कर रहे हो कि उसके कंपैरिजन में क्या वो कॉस्ट अचीव हो रहा है आपको, अगर हाँ तो ठीक है उसको आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये फैक्टर भी देखना है। उसके अलावा एग्जामिन द टोटल रेलिवेंट कॉस्ट बेनिफिट ऑफ ईच अल्टरनेटिव, फिर असेस द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर एंड एथिकल इश्यूज और सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विद द ग्रेटेस्ट ओवरऑल बेनिफिट। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर का समरी कर दिया, पहले क्या करो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, फिर अल्टरनेट देखो क्या है, फिर उसमें से फिजिबल अल्टरनेट को फाइंड आउट करो, अनफिजिबल को हटा दो, फिर कॉस्ट और बेनिफिट को एनालाइज करो, ठीक है, फिर उसके बाद आप ये करो कि जो आपका रेलिवेंट कॉस्ट है उसको एस्टिमेट करो और अवेलेबल अल्टरनेटिव के बेसिस पे, फिर आप क्या करो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर और एथिकल प्रिंसिपल्स को देखो और उसके बाद फिर जो सिलेक्ट करो वो अल्टरनेटिव जो आपके लिए ग्रेटेस्ट बेनिफिट के साथ अवेलेबल है, ठीक है। अब इस डिसीजन को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, स्टेप वन डिफाइन प्रॉब्लम, ड्यू टू द इकोनॉमिक डाउन टर्न इट इज़ नॉट फिजिबल टू ऑपरेट द प्लांट एट द नॉर्मल कैपेसिटी एट लीस्ट ड्यूरिंग द क्वार्टर, जैसे कि अभी COVID-19 है, अब इसकी वजह से भी बहुत सारे प्लांट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव, अब आपके पास अल्टरनेट क्या है, या तो प्लांट बंद कर दो या ऑपरेट करो प्लांट, तो आप देखोगे कि जो ऑपरेट करने में क्या खर्चा आ रहा है, भाई ऑपरेट करोगे तो सैलरी तो दोगे ना स्टाफ की, बिजली बिल तो दोगे ना, वो सब रेंट तो वैसे भी देना पड़ेगा, तो मतलब कुछ खर्चा आप देखो के एनालाइज करो कि मुझे ऑपरेट करने में फ़ायदा है या बंद करने में फ़ायदा है। तीसरा, आइडेंटिफाई द कॉस्ट बेनिफिट, मतलब कि कॉस्ट कितना लग रहा है उसके कंपैरिजन में बेनिफिट क्या हो रहा है अल्टरनेट वन अल्टरनेट टू अल्टरनेट थ्री में, और फिर उसके बाद जो
बेस्ट इंटरेस्ट में अवेलेबल है, रेलिवेंट कोर्स को एनालाइज करने के बाद उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पूरा इसका एप्लीकेशन का एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसको हम पढ़ते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलोंग विद ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट हैज़ कॉमन हार्ट ऑन हेल्थ केयर सेंटर फॉर चार्जिंग एक्स्ट्रा बिटेंट फीस फ्रॉम देयर पेशेंट। ह्यूमन हेल्थ केयर लिमिटेड HHCL, अ लीडिंग इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोवाइडर कंपनी इज फीलिंग पिंच ऑफ द मेजर टेकन बाय द अथॉरिटी एंड फेसिंग द मार्जिन प्रेशर ड्यू टू दिस। HHCL इज ऑपरेटिंग इन ए कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट, सो इट इज डिफिकल्ट टू इंक्रीज द पेशेंट नंबर ऑल्सो। मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑफ ए कंपनी हैज कम आउट विद द सम प्लान फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन। HHCL प्रोवाइड ट्रीटमेंट अंडर द पैकेज सिस्टम वेयर फीस इज चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ डे ऑफ पेशेंट स्टे इन द हॉस्पिटल। कंसल्टेंट हैज एस्टिमेटेड 2.50 पेशेंट डे पर डे पेशेंट ही वॉन्ट्स टू रिड्यूस इट टू 2 days। बाय डूइंग दिस कंसल्टेंट हैज टारगेटेड द जनरल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 500 पर पेशेंट डे एनुअल 15,000 पेशेंट विजिट टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैज सम कंसर्न विद दैट कंसल्टेंट्स प्लान। अकॉर्डिंग टू हिम रिड्यूसिंग द पेशेंट स्टे वुड बी डिट्रीमेंटल टू फुल रिकवरी ऑफ द पेशेंट। दे वुड कम अगेन फॉर एडमिशन देयर बाय इंक्रीजिंग द करंट री एडमिशन रेट फ्रॉम 3% टू 5%। इट मीन्स रीएडमिटिंग 300 एडिशनल पेशेंट। कंपनी हैज टू स्पेंड 50-25 lakh मोर टू एकोमोडेट दिस इंक्रीज इन री एडमिशन। बट कंसल्टेंट हैज फाउंड ब्लेस इन डिस्टिंग्यूज इन दिस। ही सेड एवरी री एडमिशन इज ट्रीटेड एज न्यू एडमिशन, सो इट वुड रिजल्ट द एडिशनल कैश फ्लो ऑफ ₹4,500 पर पेशेंट इन द फॉर्म ऑफ एडमिशन फीस। तो ये क्या कह रहा है, पहले पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए। ये कह रहा है कि एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उसका जो पेशेंट का जो प्राइस है वो बढ़ नहीं सकता, पेशेंट का नंबर बढ़ा नहीं सकते और रिवेन्यू को बढ़ाना है, तो उन्होंने एक प्लान किया। अब वो अभी करंटली क्या कर रहे थे, वो पैकेज में हेल्थ सर्विस देते थे। मतलब एक बार आपको एक पैकेज में आपको कोई भी मान लीजिए प्रॉब्लम है तो उसका पूरा पैकेज दे दिया। अब इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पेशेंट कितने दिन भर्ती रहा अस्पताल में, कितने दिन वो अस्पताल में रहा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कंसल्टेंट है वो कह रहा है कि देखो ऐसा करो, आप पेशेंट को जल्दी डिस्चार्ज कर दो। अब उसको प्रॉब्लम आएगी तो फिर दोबारा रीएडमिशन होगा, रीएडमिशन के लिए नाम से ₹4,500 हम अलग से चार्ज लेंगे और हमें इतना दिन तो वो जनरली रहेगा ही रहेगा। जैसे 2.5 दिन वो रहता है पेशेंट जनरली, मतलब एवरेज में हम उसको 2 दिन ही रखेंगे, आधा दिन से पहले डिस्चार्ज कर देंगे, फिर जब रीएडमिशन होगा तो उससे हमारी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। ठीक है जी, उसके लिए कुछ खर्चे करने पड़ेंगे वो बता दिया। अब हमसे चाहता क्या है, ये कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्लान इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। जाहिर सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी उससे। आल्सो कमेंट ऑन द रिजल्ट अदर फैक्टर दैट शुड बी कैप्ट इन माइंड बिफोर टेकिंग द डिसीजन। लेकिन जो हेल्थ केयर सर्विस है इसमें अगर आप ऐसे डिसीजन दोगे तो पेशेंट टाइम से पहले डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसकी सेहत सही से बनेगी नहीं, बनेगी नहीं तो बीमार होकर दोबारा आपके पास आएगा। इससे धीरे धीरे आपका जो मोरल है वो डाउन होगा, उसमें कुछ डेथ रेट भी बढ़ जाएंगे क्योंकि हो सकता है किसी क्रिटिकल केस होगा और मर गया तो फिर उसके बाद आपकी जो रेपुटेशन है वो डाउन हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिट नहीं है। तो सीधा सीधा तो आपका ओवरव्यू निकल के आ गया। तो अब इसको आप इसको डायग्रामेटिकली बना के देख लीजिए, आपको इस पर कॉस्ट कितना लगने वाला है, 25 लाख लगेगा और कॉस्ट कितना बचा लेंगे, सेविंग कितना होगा। एक पेशेंट पे आपको कितना लग रहा था, आपको लग रहा था 15,000 पेशेंट टोटल हैं आपके पास। ठीक है, मल्टीप्लाई कर आपने 2.5 दिन हम रखते थे लेकिन 2 दिन अब रखना है, तो यानी 0.5 डे का हमें बेनिफिट हो गया और एक पे ₹500 का खर्चा था। यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही देखिए, 15,000 पेशेंट आपके पास विजिट कर रहे हैं, ₹500 का वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपने 0.50 पेशेंट डे बचा करके कितना कॉस्ट सेविंग कर लिया। एक तो आपको कॉस्ट 25 लाख का ये लगा है और कॉस्ट सेविंग आपने कर लिया है 33,50,000 का। ठीक है जी, और रिवेन्यू आपका इंक्रीज कितना होगा, ₹4,500 होगा। आपको उम्मीद है कि 300 पेशेंट इसमें से रीएडमिशन होंगे, तो 300 पेशेंट इंटू 4500 आपके पास 13,50,000, तो 37,50,000 प्लस 13,50,000 इतने का आपका बेनिफिट होगा। और कॉस्ट कितना लग रहा है, 25 लाख, तो आपको जो इंक्रीमेंटल बेनिफिट हुआ है 26 लाख का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन इसके ऊपर इफेक्ट क्या क्या आ रहा है, अगर जो ये प्राइमरी गोल ऑफ द इन्वेस्टर ओन फर्म इन शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन विद ट्रांसलेट टू द स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन। मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्लान इज लुकिंग गुड फॉर HHCL एज देयर इज ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी। ऑल्सो HHCL ऑपरेट इन अ कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट, सो द सर्वाइवल
इट हैज़ टू वर्क ऑन द प्लान अबव लाइक अबव बट देर इज ऑल्सो द सेकेंड साइड ऑफ द क्वाइन दैट कैन नॉट ऑल्सो बी इग्नोर्ड दैट इज ह्यूमैनिटी वैल्यू एंड द बिजनेस एथिक्स भाई ह्यूमैनिटी और बिजनेस एथिक्स तो नहीं है ना ऐसा कहता डिस्चार्जिंग द पेशेंट बिफोर देयर फुल रिकवरी विल एड अ डिसकम्फर्ट एंड डिस्ट्रप्शन इन देयर लाइफ विच कैन नॉट बी क्वान्टिफाई इन टू मनी देयर कुड बी अदर सेवरल कॉन्सिक्वेंसिस एज वेल बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस फॉर गेनिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट एच एस सी एल कैन नॉट प्ले विद द लाइफ ऑफ पेशेंट इट वुड पुट द क्वेश्चन मार्क ऑन द बिजनेस एथिक्स ऑफ एच एस सी एल मे बी एच एस सी एल वुड बी एबल टू अर्न द इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ड्यू टू दिस प्रैक्टिस इन शॉर्ट रन बट इट विल ट्रेनियट इमेज ऑफ द एच एस सी एल विच वुड बी हर्ट द प्रॉफिटेबिलिटी इन लॉन्ग रन सो बिफोर टेकिंग द डिसीजन ऑन द प्लान एच एस सी एल शुड एनालाइज विद द बोथ क्वालिटी एज वेल एज द क्वांटिटी फैक्टर तो आपको ये क्वेश्चन किस पे आ गया एथिक्स और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर पे ये क्वेश्चन था जिसमें आपको बताया कि ये जरूरी नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी को ही देखना है एथिक्स प्रिंसिपल को भी देखना पड़ेगा तभी आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल पे इफेक्ट पड़ता है ठीक है आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा चलिए आगे हमारे पास टॉपिक आ रहा है सम एप्लीकेशन ऑफ द सी वी पी एनालिसिस एंड द कॉस्ट कॉन्सेप्ट शॉर्ट रन डिसीजन और मैनी एंड द वेरिड बट सम ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट वन वी शैल टुक इन टू दिस चैप्टर फर्स्ट है आउटसोर्स डिसीजन दूसरा है सेल और फ्यूचर फर्दर प्रोसेस तीसरा है मिनिमल प्राइस डिसीजन चौथा है कीप ऑफ ड्रॉप डिसीजन पांचवा है स्पेशल ऑर्डर डिसीजन और छठा है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन तो ये कुछ डिसीजन है आपके पास जो कि आपको इस फैक्टर को आपको इफेक्ट करते हैं ठीक है तो इसमें हम सबसे पहला जो हमारा है आउटसोर्सिंग डिसीजन इसको हम डिस्कस करते हैं क्या है इसमें आउटसोर्सिंग डिसीजन इज ऑफन कॉल्ड मेक और बाय डिसीजन इट इन्वॉल्व अ डिसीजन ऑफ वेदर टू कंटिन्यू मेकिंग ए प्रोडक्ट versus buying it from the external firm outsourcing enable a firm to reduce the cost or benefit from the supplier efficiency outsourcing decision require incremental analysis तो मैं इसको summarize कर देता हूँ इसको पढ़ने के बजाय देखो outsourcing का मतलब यही है कि आपको ये देखना है कि आपका अगर benefit उससे ज़्यादा हो रहा है outsource करने से as compared to cost तो आप उसको outsource कर सकते हो इसके लिए क्वेश्चन से हम समझते हैं ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ठीक है DBA manufacturing and manufacturers and sales 25,000 table fan annually. One of the component required for a fan is purchased from the outside supplier at a price of ₹190 per unit. यानी एक table बनाता था जिसके लिए कोई product लगता है उसके अंदर raw material वो बाहर से खरीदता था ₹190 में. Annually it is purchasing 25,000 component for its uses. ठीक है. The production manager in is of opinion that of all the component are produced at own plant, it is possible to maintain the better quality in finished product. Further, he proposed that the in-house production of a component with other item will provide more flexibility to increase the annual production by another 5,000 unit. He estimated the cost of making the component as follows. Direct material ₹80 per unit, direct labor ₹75, factory overhead जिसमें 70% variable है ₹40, total cost आपका ₹195 लगेगा. तो अब क्या करना है आपको आपको रेलिवेंट क्वेश्चन निकालना है कि आपको अगर इन हाउस प्रोड्यूस करते हो तो कितना आएगा तो इसमें हम निकालेंगे और ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है द प्रपोजल ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर वॉज रेफर्ड टू द मार्केटिंग मैनेजर फॉर हिज रिमार्क्स ही पॉइंटेड आउट टू मार्केट द एडिशनल यूनिट द ओवरऑल यूनिट प्राइस शुड बी रिड्यूस बाय 5% एंड एडिशनली 1 lakh पर मंथ शुड बी इनकर्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट मतलब इसके क्या रहा है कि आपको जो ₹1 lakh एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना पड़ेगा अगर आप करते हैं ऐसा तो प्रेजेंट सेलिंग प्राइस ऑफ एंड द कंट्रीब्यूशन पर फैन आर 2,500 एंड 600 रिस्पेक्टिवली नो अदर इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑल अदर एक्सपेंसेस एज रिजल्ट ऑफ प्रपोजल राइज और उसके अलावा किसी और खर्चों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी हमें क्या करना है एनालाइज करना है सिंस द मार्केट मेकिंग कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट इज मोर देन द बाइंग कॉस्ट The management ask you to analyze the make or buy decision or unit base and the total basis recommend the most profitable alternative. तो आपको बताना है देखो ये कह रहा है कि अगर आप घर पे बनाते हो तो ₹195 कॉस्ट बन रहा है मार्केट से आपको ₹190 में मिल जा रहा है तो आपको घर पे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए पूछना चाह रहा है आपसे तो वैसे अगर ऊपर से देखें तो क्या लगता है कि नहीं बनाना चाहिए क्योंकि भाई घर में तो ₹195 का लग रहा है लेकिन हम क्या किस चीज़ पे बात करते हैं सीवीपी एनालिसिस के अंदर हम रेलिवेंट कॉस्टिंग पे बात करते हैं तो देखो रेलिवेंट कॉस्ट आपको कितना लग रहा है ₹80 तो आपको लगेगा ही लगेगा डायरेक्ट मटेरियल का ₹75 डायरेक्ट लेबर का लगेगा ही लगेगा लेकिन जो ये ₹40 है इसका 70% हिस्सा ही तो लगेगा क्योंकि वही तो वेरिएबल है बाकी तो फिक्स है वो तो लगना ही है तो यानी 40 का 70% करोगे तो ₹28 आ जाएगा तो ₹28 ये हो जाएगा ठीक है तो 80 प्लस 75 प्लस 28 ये आपका ₹183 हो गया तो यानी अगर आप घर पे बनाते हो तो ₹183 में पड़ जाएगा
मार्केट के अंदर जाते हो तो 195 का पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है आपको घर में बनाना चाहिए मोस्ट अल्टरनेटिव। लेकिन अब इसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ यूनिट की खपत कितनी है और उसके अकॉर्डिंग हम फिक्स एसेट को निकाल कर से मल्टीप्लाई करके इसका कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। आप कॉस्ट स्ट्रक्चर देखिए, DBA परचेज 25 यूनिट फॉर ए कंपोनेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 25,000 फैन एनुअली, द एक्सटर्नल प्राइस पर कंपोनेंट इज 190 पर यूनिट, इट हैज़ एन ऑप्शन टू मैन्युफैक्चरिंग दिस कंपोनेंट इन हाउस, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एज फॉलोज, डायरेक्ट मटेरियल 80 है, डायरेक्ट लेबर हो गया 75 और वेरिएबल फैक्ट्री 28 हो गया जो हमने बता दिया 40% ऑफ 70% ऑफ 40, तो आपके पास 183 रुपये आ गया। इसको एनालाइज कैसे करोगे, इफ द DBA डिसाइड टू मैन्युफैक्चरिंग द कंपोनेंट इन हाउस द फॉलोइंग वुड बी द फाइनेंशियल इंपैक्ट। पहला, प्रोडक्शन कैपेसिटी विल इंक्रीज फ्रॉम 25,000 फैन टू 30,000, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसे क्या क्या होगा, 25,000 अभी प्रोड्यूस करते थे, अगर आप इन हाउस करने लगोगे तो आप प्रोडक्शन कितना कर पाओगे, 30,000 फैन की प्रोडक्शन कर लोगे, तो इससे आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ फैन वुड बी कितना बन जाएगा, 2500 में अभी बिक रहा है 2500 और 600, ठीक है, और उसमें आपने माइनस कर देना है 2500 का तो सेलिंग प्राइस था, 600 में बिक रहा है उसको माइनस कर देंगे, और मार्केट में कितना में खरीद रहे थे आप, 190, ठीक है, तो आपको नेट जो वेरिएबल कॉस्ट में इफेक्ट पड़ेगा वो 1710 रुपये का पड़ेगा। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 12 रुपये पर कंपोनेंट लगेगा, अब ये कैसे आएगा 12 रुपये पर कंपोनेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आएगा ये, ठीक है, ये आपके पास वेरिएबल दिया हुआ था ना 40 रुपये में 70% तो वेरिएबल हो गया, तो बाकी का कितना पड़ेगा, बाकी का 30% यानी 40 रुपये का 30% 12 रुपये हो गया ना, ये आपका फिक्स बचा हुआ है, तो फिक्स कंपोनेंट ये हो गया। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट को एक्सपेंसिव जो है वो 100,000 पर मंथ इंक्रीज हो जाएगा, वुड भी 100,000 पर मंथ, और मतलब अगर एनुअली बात करें तो कितना 12,00,000 हो जाएगा। ओवरऑल सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो जाएगा कितना, 2500 पर फैन से 2375 रुपये, क्यों, क्योंकि 95% रिडक्शन के बारे में बात किया गया है यहाँ पे। देखिए ओवरऑल यूनिट प्राइस कॉस्ट जो है कॉस्ट जो होगा 5% रिड्यूस होगा, तो मतलब बचेगा कितना, 95% ही तो रहेगा इसका वैल्यू, 5% घट जाएगा, तो 2500 का 5% माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2375। फिर करंट कंट्रीब्यूशन कंसिडरिंग ए प्रोक्योरमेंट प्राइस 190 पर कंपोनेंट यूनिट इज 600 रुपीज पर फैन एज कैलकुलेटेड अबव, इफ द प्रोड्यूस इन हाउस द वेरिएबल कॉस्ट वुड बी 183 कंपोनेंट पर यूनिट, दिस वुड रिजल्ट द इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन ऑफ 7 रुपये पर फैन, कैसे, 190 माइनस 183 तो 7 रुपीज पर फैन के हिसाब से कंट्रीब्यूशन आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इन एडिशन देर इज एन इम्पैक्ट ऑफ रुपीज 125 ऑन अकाउंट ऑफ द रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, देयर फॉर द कंट्रीब्यूशन इफ कंपोनेंट प्रोड्यूस इन हाउस, कंट्रीब्यूशन कितना देगा, 600 रुपये, वो प्लस में 7 रुपये वो बढ़ जाएगा, और माइनस करना है 125 रुपये का इंपैक्ट जो एडिशनली बढ़ रहा था एडवर्टाइजमेंट के कारण, तो वो माइनस करने के बाद 482 रुपये का कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप करंटली प्रोड्यूस कर रहे थे तो पर फैन आपका 2500 रुपये लग रहा था और कंट्रीब्यूशन 600 रुपये मिल रहा था, ठीक है, तो टोटल आपका 2500 × 2500 फैन में 625,000 आ गया, कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इतना आ जाएगा, रिड्यूस हो गया प्राइस आपका 2375 और कंट्रीब्यूशन 482, लेकिन नंबर आप कितना बढ़ गया, आप 30,000 बढ़ गया, 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कंपोनेंट, तो यानी जब आप 25,000 से यानी इन हाउस कर रहे हो तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो तो घट रहा है लेकिन जो रिवेन्यू है वो बढ़ रहा है, तो शॉर्ट टर्म में तो ये नहीं करना चाहिए लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। देयरफॉर द इंक्रीमेंटल लॉस बाय स्विचिंग इन हाउस रिडक्शन टोटल बेसिस इज 17,40,000, कैसे, आपको इसके 150,000 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इन इंक्रीमेंटल लॉस आ जाएगा 5,40,000 माइनस एडिशनल एडवर्टाइजमेंट खर्चा जो 12,00,000 का था, ऑन पर बेसिस पर यूनिट बेसिस इट वुड रिजल्ट 58 रुपीज़ पर फैन, तो रिकमेंडेशन क्या देंगे इसमें, मेक और बाय डिसीजन के बारे में बताना था। एज एक्सप्लेन अबव, इफ द प्रोडक्शन इंक्रीजेज फॉर 25,000 फैन से 30,000 फैन, इट वुड नॉट बी प्रॉफिटेबल टू मेक दिस कंपोनेंट इन हाउस, ओवरऑल प्रॉफिट डिक्रीज बाय 70,40,000, हाउएवर DBA में प्रीफर टू मेक कंपोनेंट इवन दो इट कुड बी फाइनेंशियली बेनिफिट टू बाय फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर, समटाइम क्वालिटेटिव फैक्टर बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन ओवरराइड द सम फाइनेंशियल बेनिफिट, दिस कैन बी कपल्ड विद अनसर्टेनिटी अबाउट द सप्लायर्स एबिलिटी और इंटरेक्शन टू मेंटेन द प्राइस क्वालिटी डिलीवरी डेट और कंपोनेंट एक्सेट्रा, अल्टरनेटिवली DBA मे कंटिन्यू विद द सेल ऑफ 25,000 यूनिट विदाउट एनी प्राइस रिडक्शन एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस, द कंपोनेंट रिक्वायर्ड 25,000 फैन मे बी प्रोड्यूस इंटरनली एट द कॉस्ट ऑफ 183 पर यूनिट, इन दिस सिचुएशन द कंट्रीब्यूशन शैल बी इंक्रीज
बाय 1,75,000 क्योंकि 7 रुपये के हिसाब से हो रहा है। द डी बी एम ए चॉइस द अल्टरनेटिव आफ्टर ड्यू केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द फैक्टर इलस्ट्रेटिव हो। तो जब भी आप अगर रिकमेंडेशन देंगे तो आप क्लियर रिकमेंडेशन नहीं देना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर और भी इफेक्ट होते हैं। तो आपको एक इस तरीके का ओपिनियन देना चाहिए जिससे आपको बाकी फैक्टरों को भी कवर कर पाएँ। तो इसके अंदर क्या है कि कई बार हो सकता है कि क्वालिटी को मेंटेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो इसके लिए, तो ये फैक्टर को भी कंसिडर करना है, क्योंकि फाइनेंशियली तो इसको वाइबल नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है क्वालिटेटिव के नेचर में ये वाइबल हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। अभी तो हमने आउटसोर्सिंग की बात करी, उसके बाद हम बात करते हैं मेक और बाय की बात करी, अब हम बात करते हैं सेल और फर्दर प्रोसेस कि हम उसको सेल कर देना चाहिए या फिर हमें फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, देखिए इसके अंदर भी दो फैक्टर हैं, फटाफट देख लीजिए। देर आर द टू रूल टू फॉलोइंग व्हेन अनसर्टेन वेदर द फ्यूचर प्रोसेसिंग इज वर्थ वाइल और नॉट, ओनली द इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ द फर्दर प्रोसेस आर रेलिवेंट। यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंटल जो कॉस्ट लग रहा है और रेवेन्यू जो है फर्दर प्रोसेस के लिए, यानी जो आप जहाँ तक आप प्रोसेस कर रहे हैं वहाँ तक ठीक है, इसके अलावा जो आप फर्दर प्रोसेस करेंगे उसमें कितना कॉस्ट लगेगा और उससे कितना फ़ायदा होगा। यानी पीछे पास्ट कॉस्ट को मत कंसिडर करो, अब यहाँ से आप एक्स्ट्रा कर रहे हो तो उसके ऊपर कितना कॉस्ट और कितना एक्सपेंडिचर लगेगा, उसके रीजन में आपको बेनिफिट दिख रहा है या नहीं। अगर वो दिख रहा है तो आपको वो प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं जाना चाहिए। दूसरा, अ जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट आर इरेलीवेंट, दे आर ऑलरेडी संक इन द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। जब जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में आप काम करते हैं तो एक जो मेन प्रोडक्ट है उसी में तो कॉस्ट इंक्लूड हो जाता है, दूसरा वाला प्रोडक्ट तो जब आप सेग्रीगेट कर देते हो तो वहीं पे उसका जो कॉस्ट अलग हो जाता है, पिछला कॉस्ट पिछले वाले में चला जाता है। अब यहाँ से जो नया प्रोडक्ट सेग्रीगेट हुआ है इसकी कॉस्ट अब यहाँ से चालू होगा। ठीक है, तीसरा फैक्टर आता है क्वालिटेटिव फैक्टर, यानी आप सेल और फर्दर सेल और नॉट इसके बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं। तो क्वालिटेटिव फैक्टर क्या कहता है, क्वालिटेटिव फैक्टर रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग फर्दर डिसीजन इंक्लूड रिसोर्स अवेलेबिलिटी सच एज द रेडीनेस ऑफ द एम्प्लॉई टू वर्क एक्स्ट्रा आवर टू फर्दर प्रोसेस टू प्रोड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग। इन एडिशन इन्फ्लुएंस ऑन कस्टमर दैट प्रिफर टू ओरिजिनल प्रोडक्ट शुड ऑल्सो बी कंसिडर एज सेल ऑफ दिस कस्टमर मे बी लॉस्ट द कॉम्पिटिटर। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, अप टू पॉइंट ऑफ सेपरेशन आपके पास मार्जिनल कॉस्ट 30 रुपये का दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है 20, आफ्टर पॉइंट ऑफ सेपरेशन है मार्जिनल कॉस्ट है 15 और फिक्स कॉस्ट दे रखा है 5। सी कैन सोल्ड 70 रुपीज पर यूनिट एंड नो मोर, कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन सी अप टू पॉइंट ऑफ सेपरेशन इज इरेलीवेंट, यानी कि जो पॉइंट ऑफ सेपरेशन कहाँ था, यहाँ पे। तो इसके बाद का जो कॉस्ट है, यानी ये 50 + 5 कितना हो गया, 20 रुपये जो कॉस्ट है, यही तो रेलिवेंट होगा इसके लिए। जॉइंट प्रोडक्ट आर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम रॉ मटेरियल एंड सेम प्रोसेस ऑपरेशन, कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर पॉइंट ऑफ सेपरेशन विल बी कंसिडर फॉर द डिसीजन मेकिंग स्पेशली इंक्लूड द इन डिसीजन मेकिंग। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सी विल कंट्रीब्यूट 70 रुपीज, तो आपके पास सेलिंग प्राइस 37 रुपये बेच रहा है और कॉस्ट कितना लग रहा है 15 + 5 यानी 20 रुपये, तो 17 रुपये का ये बेनिफिट दे रहा है। और अगर टोटल लेते तो लॉस आ जाता 70 रुपये के हिसाब से देते, तो मार्जिनल कॉस्ट को जो पॉइंट वाले पुराने वाले को माइनस करोगे तो 45 रुपये लग रहा है, उसके हिसाब से 8 रुपये का लॉस आ रहा है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ सी विल नॉट बी रिकमेंडेड इन दिस केस, जहाँ पे लॉस आ रहा है। ठीक, तो इसके बाद अपने पास एक तीसरा क्वेश्चन आता है मिनिमम प्राइस डिसीजन का। ये कहता है कि आप किसी प्रोडक्ट का मिनिमम प्राइस कितना रख सकते हो, उसके बारे में पूछा है। इस पर एक बड़ा क्वेश्चन भी है हमारे पास टेस्ट टू नॉलेज में लास्ट में, तो वहाँ से भी करेंगे। समझिए इसका क्या कहता है, द मिनिमम प्राइस अप्रोच इज़ यूजफुल मेथड इन सिचुएशन वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटेंस कॉम्पिटिशन, सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्लियरेंस ऑफ द ओल्ड इन्वेंट्री, गेटिंग स्पेशल ऑर्डर एंड और इम्प्रूविंग द मार्केट शेयर ऑफ द प्रोडक्ट। द मिनिमम प्राइस शुड बी सेट एट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ एनी। इफ दिस टाइप ऑफ प्राइस द सेलिंग प्राइस इज द लोएस्ट प्राइस दैट कंपनी मे सेल इट्स प्रोडक्ट एट यूजुअल, द प्राइस विल बी टोटल रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो मिनिमम प्राइस डिसीजन कहने का मतलब यह है कि आप जो इंक्रीमेंटल आपको कॉस्ट लग रहा है और इतना बेनिफिट है, मतलब जितना कॉस्ट लग रहा है ना वो रेलिवेंट कॉस्ट में अपना प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करके आप उतना प्राइस रख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल से देखिए, एक्स पॉलीमर लोकेटेड इन साहिबाबाद इंडस्ट्री एरिया मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, एटी इंडस्ट्री हैज आस्क्ड एक्सएल पॉलीमर फॉर ए स्पेशल जॉब दैट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन ए वीक, रॉ मटेरियल R1 दैट इज हाईली टॉक्सिक विल नीड टू कंप्लीट द एटी इंडस्ट्री स्पेशल जॉब, एक्सएल पॉलीमर परचेज R1 2 वीक एगो फॉर 7,500 फॉर ए जॉब ए दैट रिसेंटली वॉज कंप्लीटेड, देन R1 करंटली इन अ स्टॉक इन एक्सेस फ्रॉम दैट जॉब एंड एक्सएल पॉलीमर हैज़ बीन प्लानिंग टू डिस्पोज इट ऑफ इट, एक्सएल पॉलीमर एस्टिमेटेड दैट इट वुड कॉस्ट
1250 टू डिस्पोज ऑफ द आर वन। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट आर वन का है 6000। स्पेशल जॉब विल रिक्वायर 250। अच्छा पहला पार्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है एक रॉ मटेरियल जो एक नया आपके पास ऑप्शन आया है ना, उसमें आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, उसके अंदर एक रॉ मटेरियल लगता है जिसको बोलते हैं आर वन। आर वन आपने पहले ही परचेज किया हुआ है किसी और पर्पज़ के लिए, अब वो आपके पास बच गया था, स्टॉक में पड़ा हुआ है। अब वो टॉक्सिक नेचर का है तो इसको इसलिए आपको उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। डिस्पोज करने के लिए 1250 रुपये का कॉस्ट लग रहा है। अब आप ये सोच रहे हो अगर उसको आप खरीदते हो आर वन को, उसके लिए तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट 6000 रुपये का पड़ेगा, मार्केट से 6000 रुपये का मिलेगा, लेकिन आपके पास स्टॉक में पड़ा है और उसको ख़त्म करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए 1250 रुपये का और खर्चा करना पड़ेगा। अब दूसरे बात आते हैं लेबर के लिए। ये कह रहा है स्पेशल जॉब जो हमें मिल रहा है रिक्वायर्ड 250 आवर ऑफ द लेबर G1। G1 लेबर है उसका 250 घंटे चाहिए एंड 100 आवर ऑफ G2 और G2 के 100 घंटे। एक्सेल पॉलीमर पेज देयर G1 एंड G2 एम्प्लॉई 630 एंड 336 रिस्पेक्टिवली फॉर 42 आवर ऑफ ए वीक। अभी एग्जिस्टिंग में G1 G2 को हम दे ही रहे हैं परमानेंट 42 घंटे काम करने के लिए, G1 को 630 रुपये और G2 को 336 रुपये। एक्सेल पॉलीमर एंटीसिपेटेड हैविंग एक्सेस कैपेसिटी ऑफ 150 G1। G1 की एक्सेस कैपेसिटी हमारे पास कितना है, 150 रुपये। अब ये एक्सेस कैपेसिटी है मतलब उसमें हमें चाहे वो काम करे चाहे ना करे हमें पैसे तो देने ही पड़ेंगे उसको, ठीक है। दूसरा एंड 200 G2 लेबर आवर इन द कमिंग वीक और G2 का कितना पड़ा है 200 घंटे, ठीक है। एक्सेल पॉलीमर कैन ऑल्सो हायर एडिशनल G1 एंड G2 लेबर ऑन आवरली बेसिस। दिस पार्ट टाइम एम्प्लॉय आर पेड ऑन आवरली वेजेज बेस्ड ऑन द वेजेज पेड ऑन करंट एम्प्लॉय, मतलब आवरली रेट के हिसाब से करेंगे। तो जैसे 630 रुपये कितने घंटे के लिए दे रहा है, 630 रुपये दे रहा है 42 घंटे के लिए, तो एक घंटे के लिए कितना दे रहा है, 15 रुपये दे रहा है। उसी तरीके से 336 रुपये दे रहा है 42 घंटे के लिए, तो एक घंटे के लिए कितना दे रहा है, 80 रुपये दे रहा है। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। अब उसके बाद कितने घंटे आप एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं, जितना एक्स्ट्रा उतने से आपको पे करना पड़ेगा। सपोज दैट मटीरियल एंड लेबर कंप्राइजेज एक्सेल पॉलीमर ओनली कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द स्पेशल जॉब। कैलकुलेट द मिनिमम प्राइस ऑफ एक्सेल पॉलीमर शुड बिड इन दिस जॉब। अब एक्सेल कितना प्राइस बिड करे उसके बारे में पूछ रहा है आपसे। तो देखो जो कॉस्ट उसको खर्च करना ही पड़ता चाहे वो काम कराए चाहे ना कराए, तो वो तो यहाँ पे रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होगा, उसको तो हम कंसीडर नहीं करना चाहिए हमें। और जो कॉस्ट उसका मतलब जो कॉस्ट उसका एडिशनली खर्च करना पड़ रहा है, इंक्रीमेंटल रूप में करना पड़ रहा है, उसको लेंगे। तो यहाँ पे देखो पहली बात अगर मैं जॉब इसकी रॉ मटेरियल की बात करूँ तो इसमें तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बल्कि उसको और 1250 का खर्चा करना पड़ता तो आपके पास इसके बाद 1250 की सेविंग ही हो गई है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, देखो अब 1250 उसको एक्स्ट्रा करना पड़ता तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी क्या होगी, नेगेटिव में 1250 हो गई भाई। 1250 तो बल्कि बचा लिए ना हमने, एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया हमारा, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बनी नहीं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हम कहें तो नेगेटिव में, या फिर हम इसको बेनिफिट भी कह सकते हैं, तो 1250 का बेनिफिट हो गया। अब बात आती है लेबर की, तो लेबर में आपके पास आइडियल कैपेसिटी कितनी पड़ी है। G1 का स्टॉक पड़ा है आपके पास 150 घंटे और G2 का पड़ा है 200 घंटे। हमें चाहिए कितना स्पेशल जॉब के लिए, G1 का चाहिए 250 घंटे, हमारे पास है कितना 150 घंटे, तो 150 घंटे तो ये यूज़ हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा हमें कितना घंटे पे करने पड़ेंगे, 100 घंटे, 250 माइनस 150 100 घंटे। अब 100 घंटे का रेट कितना होगा, G1 को आप कितना दे रहे हो, 630 रुपये दे रहे हो 42 घंटे के लिए, तो एक घंटे के लिए 15, तो 15 गुना एक्स्ट्रा कितने घंटे काम कराया आपने, 100 घंटे, तो 1500 रुपये, तो 1500 रुपये आपने G1 के लिए काम दिया अपने लेबर के लिए। और रॉ मटेरियल के लिए तो कुछ भी नहीं दिया, माइनस में 1250 है आपके पास, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव में है। दूसरी बात G2 के लिए क्या है, G2 के लिए आपको चाहिए स्पेशल काम के लिए कितने चाहिए आपको, G2 के लिए आपको चाहिए 100 घंटे, 100 घंटे चाहिए ना, 100 घंटे चाहिए, और आपके पास है कितना 200 घंटे, तो बस बढ़िया है। अब 100 घंटे और इस्तेमाल हो जाएंगे ना, उसके लिए पैसे तो वैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, स्पेशल इस पर्पज़ के लिए तो आप दे नहीं रहे हो, तो G2 का तो कुछ भी नहीं आएगा, तो 0। तो नेट कितना हो गया आपके पास, 1500 रुपये का ही कॉस्ट लगा आपके पास और 1250 बच गया, तो 1500 माइनस 1250 माइनस 1250 करोगे तो कितना हो गया, 250 रुपये। तो 250 का आपका नेट जो है सेविंग इसमें, 250 का ही मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, 250 के एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। रेलिवेंट कॉस्ट आपकी कितनी है, 250। तो इसी के बेस पे आप डिसीजन लोगे प्राइस का। अब एग्जैक्ट प्राइस तो बता नहीं सकते, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि बाकी पैरामीटर हमारे पास है नहीं, कितने यूनिट बनाएगा क्या है, तो मतलब आप कॉस्ट देख सकते हो, भाई 250 कॉस्ट लग रहा है, आप देख लो इसके हिसाब से कितने प्राइस डिसाइड करनी है। तो देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द लेबर, द G2 लेबर इज हैज़ 0 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज देयर इज नो अदर यूज ऑफ द टाइम ऑलरेडी पेड फॉर एंड अवेलेबल।
However, Excel Polymer need to pay additional amount of G1 labor. This amount can be saved if the special job is not there. G1 labor का hour required है 250, available हमारे पास 150 है, extra hour required है 100, तो आपके पास cost per hour बन जाएगा 630 divided by 42, 15 घंटे रुपए के हिसाब से तो 1500 रुपए opportunity cost बन गया. Thus, the opportunity cost of the labor for completing special job है 1500. Opportunity cost of the model material Excel Polymer has no alternate use of R1. They must dispose of it at cost of 1250. Does Excel Polymer actually save 1250 by using the material of AT industry special job? Consequently, the opportunity cost of material is 1250. That is, opportunity cost of these resources is negative. The minimum price is price at which Excel Polymer just recover this opportunity cost. Excel Polymer total opportunity cost is 250, that is 1500 minus 1250. Accordingly, minimum price of the special job is 250. Keep or drop decision. Another type of operating decision that management must make is whether to keep or drop unprofitable segment such as product line, service division, department store or outlets. The decision is based on whether or not the segment revenue exceeds the cost directly traceable to the segment, including any direct fixed cost. इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या होगा? अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास कीप और ड्रॉप डिसीजन. ये तो हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया. अब आपको करना है कि आपको कोई प्रोडक्ट बना के रखना है या उसको ड्रॉप करना है, तो उसके बेस में भी आप यही डिसीजन लेंगे. यही पैरामीटर होगा आपको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना लग रही है, क्वालिटी फैक्टर क्या है, वो पैरामीटर देखेंगे. इसको भी हम एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं सीधा ही. रवि लिमिटेड इज कंसिडरिंग द डिसकंटिन्यूस ऑफ द डिवीजन सी. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आज गिवन बिलो. डिवीजन ए और बी का 41,40,000 की सेल है. डिवीजन सी की 5,17,000 की है. वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन दे रखा है, स्पेशल फिक्स कॉस्ट दे रखा है और डिवीजन ये सब दे रखा है. वैसे मोटा मोटी देखें तो हमारे पास डिवीजन ए और बी से 6,21,000 का बेनिफिट हो रहा है, इनकम है, और जबकि डिवीजन सी से 1,72,500 का लॉस हो रहा है. ठीक है. द रेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आर 90% ऑफ द नॉर्मल रेट ड्यू टू द करंट वॉल्यूम ऑपरेशन. देर इज ए एडिक्वेट मार्केट डिमांड फॉर एनी लोअर वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन. द रेट वुड गो बैक टू द नॉर्मल रेट. ठीक है. तो अभी क्या, अभी जो ये रेट आपको वेरिएबल लग रहा है 90% है. अब क्यों? क्योंकि ये जो जिस वॉल्यूम पे आप दे रहे हो, सेल कर रहे हो, उसकी वजह से है. अगर सी डिवीजन हटा देते हो, यानी वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ये 100% कॉस्ट लग जाएगा. तो मतलब 2,70,000 है ना, ये इसको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना 100% मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 90, तो दैट इज़ 23 लाख रुपये का हमारे पास कॉस्ट बन जाएगा अगर हम सी डिवीजन को हटाते हैं. ये ध्यान रखना है. चलिए आगे कहता है, फैसिलिटी रिलीज बाय द डिसकंटिन्यूइंग सी कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज. अगर सी को आपने हटा दिया तो और बाकी इसको फैसिलिटी को कहीं और यूज़ नहीं कर पाओगे. तो इसके अंदर हमारे पास सेविंग होगा क्या? एक तो यही तो सेविंग होगा, जो स्पेसिफिक अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 4,14 का, ये नहीं लगेगा. कंट्रीब्यूशन भी नहीं होगा हमें मिलेगा, और ये वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा. तो देखो, सी डिवीजन को हटाने से हमें क्या क्या बेनिफिट हो रहा है. एक तो आपका 4,14,000 का कॉस्ट नहीं लग रहा है, बस यही बेनिफिट है. और लॉस क्या है? 2,41,500 का तो ये लॉस है, 2,41,500 का तो ये लॉस है. ठीक है जी. और आपको 2,70,000 माइनस 2,300,000, 2,30,000 का ये हो गया. 2,30,000 प्लस 4,14,000, 6,44,000 का लॉस है आपके पास. ठीक है. और सेविंग कितनी है? माइनस 4,14,000 की. ठीक है, 4,14,000 की. तो अल्टीमेटली इससे बेनिफिट नहीं है. तो इसको कैसे लिखोगे? देखो, As given in the problem, Ravi Limited considering the discontinuing of Division C, perhaps by seeing the Division C income as also lost by 1,72,500. क्योंकि ये loss दिख रहा है 1,72,500 का. Discontinue of the C might be saving 4,14,000 on specific fixed cost to the company, but due to this decision, company will not only be losing 241,500 contribution from Division C, but also additional burden of variable cost of 2,30,000. 2,30,000 कैसे आ गया? 2,70,000 को हमने मल्टीप्लाई वो डिवाइड किया था 90% से, क्योंकि अभी वो 90% है, 100% करेंगे तो 23 लाख हो गया. तो 2,30,000 से वो इंक्रीज हो गया, तो ये कॉस्ट भी बढ़ जाएगा इंक्रीमेंटली. लेट असेस द डिसीजन ऑफ द रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच. कैसे निकालोगे? देखो, सेविंग कितना हुआ आपका? 4,14,000 का हुआ. लॉस जो आपका, इसकी वजह से लॉस कितना हुआ? कंट्रीब्यूशन का लॉस हुआ 2,41,500 का, साथ में इंक्रीमेंटल कॉस्ट 2,30 का, ये पड़ गया आपको. तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से माइनस करेंगे आपको, तो ये कॉस्ट बन गया आपको 4,71,000 का, जबकि सेविंग कितनी है? 4,14 की है. तो आपको सेविंग कितना हो रहा है? लॉस हो रहा है एक्चुअल में 57,500 का. तो आपको इन नेट सेल क्या कहना पड़ेगा? इन ए नेट सेल कंसीडरिंग द अबव एनालिसिस वी कैन कंक्लूड दैट द डिसीजन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग सी विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर द रवि लिमिटेड एंड इट शुड बी रिव्यू बाय
रिव्यू इट्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच टू रीच एट द राइट डिसीजन, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसमें जब कंपनी है वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है और उस समय फंक्शन कर रही है, तो प्राइस चार्ज करना है, उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, उससे रिलेटेड डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो इस पर क्वेश्चन को हम देखते हैं सीधा। वैसे डिसीजन लेते समय क्या हम फैक्टर को देखेंगे, अगर इंक्रीमेंटल रिवेन्यू कॉस्ट से कम है तो उसको रिजेक्ट करेंगे, इंक्रीमेंटल रिवेन्यू अगर बराबर है तो इसको हम देखेंगे क्वालिटेटिव फैक्टर को देख के फिर डिसीजन लेंगे, और अगर इंक्रीमेंटल रिवेन्यू ज़्यादा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट से तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एग्जांपल की। देखो, बी एन जेड लिमिटेड इज एंगेज्ड इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्लास्टिक बोतल ऑफ ए स्टैंडर्ड साइज एंड प्रोड्यूस बाय ए जॉइंट प्रोसेस ऑफ मशीन। द फैक्ट्री हैज़ 5 मशीन एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 40 बोतल पर आवर्स। द वेरिएबल कॉस्ट पर बोतल है 0.32 एंड सेलिंग प्राइस है 0.80 ईच। द कंपनी हैज़ रिसीव एन ऑफर फ्रॉम द अनदर कंपनी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ 40,000 यूनिट ऑफ ए प्लास्टिक मोल्ड टॉय। द प्राइस पर टॉय इज 30 रुपीज एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज 24 ईच। इन द केस ऑफ कंपनी टेक अप द जॉब इट हैज़ टू मीट द एक्सपेंसिज ऑफ मार्केटिंग स्पेशल मोल्ड रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉय। द कॉस्ट ऑफ मोल्ड है 1 लाख रुपीज। द कंपनीज टाइम स्टडी एनालिसिस सो दैट द मशीन कैन प्रोड्यूस ओनली 16 टॉय पर आवर। द कंपनी हैज़ टोटल कैपेसिटी 10,000 आवर ड्यूरिंग द पीरियड विच इज टॉय इज रिक्वायर्ड टू बी मैन्युफैक्चर्ड। द फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड विच बी 10 लाख। द कंपनी हैज़ एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ 3 लाख बॉटल ड्यूरिंग द पीरियड। तो मतलब 3 लाख का सप्लाई ऑर्डर आया हुआ है इसको, और अब टॉय का भी ऑर्डर है इसके बाद, तो इनके बीच में जो कैपेसिटी है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसको एक्सेप्ट करना है टॉय वाला ऑर्डर या नहीं, उसके बारे में हमें एनालाइज करके बताना है, ठीक है। तो अब वही बात है, आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के बेसिस पे आपको बताना है। रिक्वायरमेंट देखिए, पहला है, डू यू एडवाइज द कंपनी टू टेक अप द ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक मोल्ड टॉय ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इट हैज़ ऑर्डर इन बुक फॉर सप्लाई ऑफ 3 लाख बॉटल। अगर बॉटल का ऑर्डर है तो उस समय क्या उसको टॉय वाला ऑर्डर, क्योंकि टॉय जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी बात कह रहा है, इफ़ द ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ बॉटल इंक्रीज 4 लाख बॉटल विल यू एडवाइज टू कंपनी टू एक्सेप्ट द ऑर्डर। अगर 4 लाख हो जाए उसका सप्लाई तो फिर क्या एक्सेप्ट करोगे। तीसरा, एन एसोसिएट कंपनी बी एन जेड लिमिटेड हैज़ आइडल कैपेसिटी एंड विलिंग टू टेक अप द होल पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक मोल्ड टॉय ऑन सब्जेक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। द सब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्लूसिव द पोस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल्ड इज 28 रुपये पर टॉय। डिटरमाइन द मिनिमम एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज मशीन आवर एक्सपेक्टेड नीड टू बी जस्टिफाई द प्रोड्यूसिंग एनी पोर्शन ऑफ द टॉय ऑर्डर बाय द कंपनी इटसेल्फ रादर देन सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो आपने इन तीनों को मशीन आवर के रूप में निकालना है। तो इसमें हमारे पास जो डिमांड है 3 लाख बॉटल की है और 40,000 टॉय की डिमांड है। सेल कितने में हो रहा है, 0.80 में दिया हुआ है हमारे पास, 30 रुपये इसका दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.32 और 24। स्पेसिफिक कॉस्ट हमारे पास टॉय में लगेगा 2.50 का, वो भी दिया हुआ है। फिर कंट्रीब्यूशन आप निकाल लीजिए, मशीन आवर पर रेट दिया ही हुआ है, कंट्रीब्यूशन पर आवर उससे निकल जाएगा। आप एडवाइस करने के लिए क्या करेंगे, टोटल 10,000 घंटे आपके पास अवेलेबल हैं, जो कि 3 लाख बॉटल बनाने में सिर्फ 0.025 आवर यूज़ होंगे, यानी 7500 यूज़ होंगे। तो बाकी का जो एक्सेस है वो सफिशिएंट है, जिसमें आप टॉय भी बना सकते हैं तो ये कर सकते हैं, टॉय वाला एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरे केस में, इफ़ द ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ बॉटल इंक्रीज, अगर 3 लाख से 4 लाख बॉटल इंक्रीज़ हो गया तो उस केस में आप कितना खर्चा हो जाएगा। 4 लाख को मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.025 से, तो आपके पास 10,000 पूरे घंटे कंज्यूम हो जाएंगे। तो फिर उस केस में क्या करना पड़ेगा, विल रिक्वायर टू प्रोड्यूस बी एन जेड लिमिटेड हैज़ टू डिसाइड वेदर यूटिलाइज 2500 आवर फॉर एग्जिस्टिंग बॉटल और फिर टॉय। तो फिर उसके बाद जो रिमेनिंग आवर है उसको क्या बॉटल के लिए इस्तेमाल करेगा या फिर रिमेनिंग के लिए, वो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कॉस्ट फैक्टर को एनालाइज करने के बाद। फिर उसकी उसी तरीके से हम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लेंगे, जिसमें हमारे पास जितने में हमारा बॉटल सेल हो रहा है और जिससे उतनी रिवेन्यू निकल रही है, वो हमने 25,000 टॉय है ही और 16 टॉय को पर आवर्स के हिसाब से निकल करके 1,563 घंटे निकल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोडक्ट मिक्स का है, इसको हम कवर करते हैं इससे अगले वीडियो में।